श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। आञ्जनेयमतिपाटलाननम् कांचनाद्रिकमनीय विग्रहं पारिजात तरुमूलवासिनं भावयामि पवमान नंदनम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्ववारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां
पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदों तुलसी के चरण जिनकीनो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय सीता राम सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री यमुना महारानी की। श्री कालिंदी पटरानी की। श्री गोपीश्वर महादेव की। श्री अन्नपूर्णा माता की। श्री मलुकेश्वर महादेव की। श्री गिरिराज महाराज की। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की। अखिल गोवंश की। श्री सूरश्याम गोधाम की। श्री जड़खोर गोधाम की। श्री पथमेड़ा गोधाम की। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की। सर्वसंत वैष्णव भगवान की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। परम पूज्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की। परम पूज्य श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की। परम पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज की।
परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की, परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। श्री राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम, जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु, भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में, श्री यमुना पुलिन में अवस्थित ज्ञान गुदरी वंशीवट गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ के इस पवित्र परिसर में, इस दिव्य सत्संग भवन में, श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग सुलभ हो रहा है। विनय पत्रिका के 26वें पद की चर्चा हो रही है। पद का हम स्मरण करें, इसके बाद यथामति यथा समय चर्चा करेंगे। जयति मरकटाधीश मृगराज विक्रम महादेव, मुदमंगलालय कपाली, मोह मद क्रोध कामादि खल संकुला, घोर संसार निशि किरण माली। जय तिलस दंजना दितिज कपि केसरी, कश्यप प्रभव जगदारती हर्ता, लोक लोकप कोक कोक नद शोक हर हंस हनुमान कल्याण करता। जयति सुविशाल विकराल विग्रह, वज्रसार सर्वांग भुजदंड भारी, कुलशनख दसन वर लसत बालधि बृहद, वैरि शस्त्रास्त्र धर कुधर धारी। ये चौथा चरण है। जयति जानकी शोच संताप मोचन, लक्ष्मणानंद वारिज विकासी, कीश कौतुक के लिलूम लंका दहन, दनन कानन तरुण तेज राशि। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, हे श्री हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। आप जानकी जी के शोच संताप को दूर करने वाले हैं, आप श्री राम जी का संदेश लेकर वहां न पधारे होते, लंका तो किशोरी जी का विरह, उनका संताप कैसे दूर होता है।
श्री जानकी जी के संताप को आप दूर करने वाले हैं। राम जी की मुद्रिका लेकर समुद्र लंघन करके श्री जानकी जी से संवाद करके तो आपने उनके शोक को दूर किया ही, श्री राम जी की विजय का संदेश देकर रावण वध का समाचार सुनाकर श्री जानकी जी के शोक को आपने दूर किया। जानकी जी के शोच और संताप दोनों का आप मोचन करने वाले हैं, दोनों को दूर करने वाले हैं। राम लक्ष्मणानंद वारिज विकासी, श्री राम लक्ष्मण ये तो आनंद घन हैं ही, लेकिन श्री राम लक्ष्मण के हृदय कमल को खिलाने वाले आप ही हैं। हम पहले निवेदन कर चुके हैं अहिरावण के प्रसंग में, जहां अहिरावण राम लक्ष्मण जी का अपहरण करके ले गया, तो हनुमान जी जब वहां पधारे तो श्री राम लक्ष्मण का हृदय आनंद से भर गया। उसी संकेत को कह रहे हैं कि आपको देख करके श्री राम लक्ष्मण जो सहज आनंद घन हैं, आनंद स्वरूप हैं, किंतु उनका हृदय कमल, आनंद कमल बंद हुआ था, पर आप सूर्य हैं, जैसे सूर्य के उदित होने से कमल खिल जाता है, ऐसे ही इस पद में हनुमान जी को सूर्य से उपमित किया जा रहा है। आपका दर्शन करके राम लक्ष्मण का हृदय रूपी कमल भी आनंद से खिल उठा, ऐसे है भगवान आप। आपने खेल खेल में लंका को जला दिया, कीस कौतुक केली लूम लंका दहन, गोस्वामी जी के शब्दों में, देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़िधाई, जरई नगर भा लोग बिहाला झपट लपट बहु कोटि कराला, जारा नगर निमिष एक माही, बहुत जल्दी ही नगर को जला दिया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि दलन कानन तरुण तेज राशि, आपने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, विध्वंस कर दिया अशोक वाटिका का। हम पहले स्मरण कर चुके हैं कि अशोक वाटिका सामान्य बगीची नहीं, कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, माली मेघमाल बनपाल बिकराल भट नीके सब काल सींचे सुधा सार नीर को मेघनाद ते दुलारो प्राण ते प्यारो बाग अति अनुराग जिये जात उधान धीर को, विद्यमान देखत दसानन को कानन सो तहस नहस कियो साहसी समीर को।
वे कह रहे हैं रावण ने मेघों को आज्ञा दे रखी थी अशोक वाटिका के सींचने के लिए, और ये आप सभी लोग जानते हैं कि वर्षा के जल से वृक्षों को जैसा पोषण मिलता है वैसा जल अन्य कृत्रिम उपायों से जल से सिंचन करने से नहीं मिलता। बोरिंग का जल, कुएं का जल, ट्यूबवेल का जल, नहर का जल उतना ज़्यादा नहीं, जो स्वयं ताज़ा वर्षा हुआ वर्षा का जो जल है उससे वृक्षों को बहुत जल्दी लाभ होता है। तो रावण ने मेघों को आज्ञा दे रखी थी कि तुम्हें बरसना है। और एक विशेष बात है, जिस वृक्ष को आवश्यकता नहीं है उस पर नहीं बरसना है, जिसको आवश्यक है उसी पर, जिसको जितनी जरूरत है उतना बरसना। अब बताओ ऐसी व्यवस्था संसार में कहीं आपने देखी सुनी? पर रावण इतना पराक्रमी था कि उसका ऐसा शासन था मेघों पर, जिस वृक्ष को, जिस लता को, जिस पुष्प को जितनी जरूरत है ज़्यादा बरसे और वो टूट फूट जाए या नुकसान हो जाए, ये रावण सहन नहीं कर सकता था। और उस अशोक वाटिका का रक्षण विकराल भट्ट, बड़े बड़े भयंकर विकराल वीर भट्ट राक्षस उसकी सुरक्षा करते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी जो उसमें प्रवेश कर जाए। रावण अपनी स्त्रियों के सहित उसमें विहार करता था। ऐसे सींचते थे मेघ मानो पानी नहीं अमृत से सींच रहे हो। देवताओं के नंदन वन आदि की भी शोभा रावण के उस बगीचे की शोभा के सामने कुछ नहीं थी। गोस्वामी जी को कोई उपमा नहीं सूझी तो गोस्वामी जी कहते मेघनाद ते दुलारो। अब आप विचार कर सकते हैं रावण के कितने पुत्र थे, कितने पुत्र थे रावण के, कितने थे बोलो? 100,000 थे। 100,000 पूत 125,000 नाती, तारावण घर दिया नबाती, बहुत प्रसिद्ध है। 100,000 लड़के थे रावण के, और उन 100,000 में सबसे बड़ा मेघनाद मंदोदरी का पुत्र युवराज लंकेश, भावी लंकेश, इतना प्रतापी कि इंद्र को बांधकर लंका ले आया, इसलिए इंद्रजीत नाम उसका हुआ, पाकारिजित इंद्रजीत ये नाम हुआ। उस मेघनाद से भी अधिक प्रेम अशोक वाटिका से था रावण का। मेघनाद ते दुलारो प्राण ते प्यारो बाघ, वो बाघ रावण को प्राणों से भी अधिक प्रिय था। बड़ा प्रेम था उस बगीचे से, पूरी दुनिया में जहां कहीं जो बढ़िया वृक्ष उसको दिखाई पड़ा, जो लता जो पुष्प लाला कर उसने लगवाया था वहां। उस अशोक वाटिका को हनुमान जी ने विध्वंस कर दिया, अशोक वाटिका का विध्वंस कर दिया। इसका मतलब था रावण को सबसे अधिक क्रुद्ध कैसे किया जा सकता है। रावण को क्रुद्ध करने का, क्रोधित करने का एक ही साधन था कि जो अशोक वाटिका उसे मेघनाद से भी अधिक प्रिय
प्राणों से भी अधिक प्रिय उसको उजाड़ दिया हनुमान जी ने। इसलिए उसने कहा देखिए किस कहां कर आई, देखो बंदर है कहां का है, ऐसा साहस उसने कैसे किया। और कैसे हैं हनुमान जी, बोले तरुण तेज राशि। भगवान सूर्य उनको तेज राशि कहा जाता है, भगवान सूर्य तेज राशि है। मोटा कंबल कहाँ गया? भगवान सूर्य को तेजो राशि कहा जाता है। आप लोगों को याद है मंत्र, तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहाण आर्घ्यम दिवाकरम। पूरा श्लोक कैसा है, ए ही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहाण आर्घ्यम दिवाकर। अर्घ देने का मंत्र है। तो भगवान सूर्य को तेजो राशि कहा गया, पर वह भगवान सूर्य जो तेजो राशि हैं, जब उनका उदय होता है तब वे बहुत प्रचंड नहीं होते हैं, मंडल एकदम लाल लाल होता है, उसमें उनमें प्रचंडता नहीं होती है। जब भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर जाते हैं तो भी उनमें तीक्ष्णता नहीं रहती है, किंतु जब सूर्य नारायण मध्यान्ह काल में होते हैं, और वो भी इस ऋतु का मध्यान्ह काल, ग्रीष्म का मध्यान्ह काल, तो ग्रीष्म का मध्यान्ह काल हो तो उस समय भगवान सूर्य प्रचंड तेज की राशि होते हैं, मध्यान्हकालीन सूर्य। हनुमान जी तरुण तेज राशि हैं, मध्यान्हकालीन सूर्य के समान है हनुमान जी। उदयास्त में परिवर्तन नहीं होता, ये सदा मध्यान्हकालीन सूर्य के समान प्रकाशमान है। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। यहां तक वर्णन मिलता है कि हनुमान जी के तेज को देख करके युद्ध में देवराज इंद्र, रवि, राहु सब घबरा गए, भीमसेन भी डर गए। बहुत प्रसिद्ध घटना है, एक कमल का पुष्प बहकर के मंदाकिनी में आया, उस पुष्प को याज्ञसेनी द्रौपदी ने जल से निकाल लिया और अत्यंत स्नेहपूर्वक युधिष्ठिर से, भीमसेन से कहा कि यह एक पुष्प है, उसका पुष्प का नाम था सौगंधिक पुष्प। क्या नाम था? सौगंधिक कमल, जो कुबेर के लोक से आया था बह करके, ये सौगंधिक कमल है, ऐसा दूसरा कमल मिल जाए
तो मैं भगवती उमा भगवान उमा महेश्वर का पूजन करना चाहती हूँ। तो शिव पार्वती के पूजन के लिए दो कमल तो चाहिए, एक तो आ गया भगवती के पूजन के लिए, एक भगवान शिव के पूजन के लिए चाहिए। हनुमान जी भीमसेन को आज्ञा दे दी गई, भीमसेन लेने के लिए कमल चल पड़े, सौगंधिक कमल लेने के लिए, सहस्रदल सौगंधिक कमल। उसको लेने के लिए चले, भीमसेन में अपने बल का अहंकार था, वे गर्जना करते थे, पहाड़ पूरा हिल जाता था। बीच में कदली बन पड़ा, कदली बन में हनुमान जी विराज थे। तो हनुमान जी ने विचार किया कि ये पवन पुत्र हैं और मैं भी पवन पुत्र हूँ, इस नाते से भीमसेन मेरे भाई हैं, अपने छोटे भाई को इस अहंकार रूपी शत्रु से बचाना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही सारे दोषों की जड़ है, सारे दोष अहम से पैदा होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अहम शून्य होता चला जाता है वो धीरे धीरे निर्दोष होता चला जाता है, सर्वथा अहम शून्य जो हो जाएगा वो सर्वथा निर्दोष हो जाएगा। सारे विकार ही अहम और मम से पैदा होते हैं, पहले अहम होता है फिर मम होता है। अहम ममाभिमानोत्थैहि काम लोभादिभिर्मलैहि वीतम यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम। सब कुछ अहम और मम से पैदा होता, मैं और मेरेपन के अहंकार से ही सब उत्पन्न होता है। इसलिए अहम और मम चला जाएगा तो कोई विकार नहीं रह जाएगा। हनुमान जी भीमसेन के अहम को निवृत्त करना चाहते हैं, और ये अहम ऐसा है, अहम की निवृत्ति के साथ ही मम की निवृत्ति हो जाती। तो हनुमान जी एक वृद्ध बानर का रूप धारण करके, दो पहाड़ों के बीच से निकलने का मार्ग था, देवलोक की सीमा में जाने का मार्ग, उस मार्ग पर श्री हनुमान जी लेट गए। हनुमान जी जैसे ही उस मार्ग पर लेट गए तो भीमसेन ने देखा, हे बंदर किनारे हो जा, मुझे आगे जाना है, ये रास्ता लेटने का नहीं है। हनुमान जी एकदम बूढ़े बानर बोले, मैं वृद्ध हूँ, रुग्ण हूँ, बुढ़ापे ने मुझे घेर रखा है, मैं एकदम जर्जर हूँ, अशक्त हूँ, यहाँ पड़ा हुआ हूँ, सुखपूर्वक सो रहा था, विश्राम कर रहा था, लगता है तुमने गुरुजनों की सेवा नहीं की है। गुरुजनों की सेवा करने वाले विनम्र होते हैं, तुम्हारे में विनम्रता नहीं है। तुमने कठोर कर्कश गर्जना करके मुझे जगा दिया, अब कहते यहां से हट जाओ, मैं कैसे हटूं, मैं वृद्ध हूं, जर्जर हूं, यहां पड़ा हुआ हूं, तुम लांग कर चले जाओ, जाना ही है तो तुम तो लांग सकते हो, मैं पड़ा हूं, लांग जाओ। भीमसेन ने कहा कि श्री हनुमान जी महाराज जैसे समुद्र को लांघ गए थे, ऐसे ही मैं इस पूरे पर्वत को लांघने में समर्थ हूं, एक छलांग लगा के लांघ सकता हूं, किंतु सभी प्राणियों में परमात्मा का निवास है, इसलिए किसी भी प्राणी को लांघना नहीं चाहिए। किसी को लांघना नहीं चाहिए, यहां तक कि
जो निष्प्राण पदार्थ हैं, जो जड़ वस्तुएं हैं, उनको भी लांघना नहीं चाहिए। अब यह गद्दा पड़ा है, आसन पड़ा है, इसको लांघ कर चला जाना अमर्यादा है। ऐसे जाइए, किनारे से होके जाओ, किसी चीज को लांघना नहीं। लांघना उसका तिरस्कार है। लांघने का यहां तक विचार है, अपने पूज्य जनों की छाया भी नहीं लांघनी चाहिए। आप तुलसी की परिक्रमा कर रहे हैं और तुलसी की छाया जहां तक पड़ रही है वहां तक लांघना नहीं चाहिए। उस पर पैर पड़ गया तो परिक्रमा नष्ट हो गई। मंदिर के शिखर की छाया जहां तक पड़ रही है वहां तक भी पैर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी मर्यादा है। अब यहां तो मंदिर में परिक्रमा हम लोग कर सकते हैं, क्यों, यहां छाया नहीं, लेकिन खुले में मंदिर है और उस मंदिर की छाया पड़ रही है तो छाया लांघना भी उचित नहीं है। किसी प्राणी को लांघना नहीं चाहिए, किसी भी वस्तु को पैर से ठुकराना नहीं चाहिए, पैर से किसी वस्तु को नहीं खींचना चाहिए। ग्रंथों में लिखा है आसन को, बोरी को, किसी चीज को पैर से खींचता है जो बैठने वाले आसन को, उसके पुण्य तत्काल नष्ट हो जाते हैं, उसकी आयु नष्ट हो जाती है, उसकी श्री नष्ट हो जाती है। और प्रायः होता क्या है, पैर से खींच लेंगे, आसन खींचना है तो झुकने में आलस करेंगे, पैर से उसको, कंबल को, कोई चीज़ें पैर से खींच लेंगे। दास तो निवेदन कर रहा है, हम तो अपनी कौपीन को भी पैर नहीं लगाते हैं, लंगोटी उसमें भी पैर लग जाए तो उसको स्पर्श करके उसका आदर करते हैं। जिसने हमारा रक्षण किया, हमारी मर्यादा का, उस वस्तु को हम पैर लगावें, पैर रख के खड़े हो जाएं, पैर से उसको कुचल दें, ये अनुचित है। किसी चीज़ में पैर नहीं लगाना चाहिए। तो भीमसेन बोले, न हम पैर लगा सकते हैं और न लांघ सकते हैं, चाहें तो हम भी हनुमान जी की जैसे लांघ सकते हैं। हनुमान जी ने कहा, तुम जानते हो हनुमान जी को? अरे जानेंगे क्यों नहीं, मैं पवन पुत्र हूँ, पवन के अंश से उत्पन्न हूँ, वे भी पवन पुत्र हैं, इस नाते से मेरे भाई लगते हैं। वृद्ध हनुमान जी मुस्कुराए, बोले तब तो क्यों ना हो, तुम पांडु के वंश में उत्पन्न हुए हो, युधिष्ठिर के भाई हो, ठीक ही है, तुम ठीक बोल रहे हो। ऐसा करो, हमको एक किनारे अपने हाथ से उठाकर कर दो और यहां से सुखपूर्वक चले जाओ। भीमसेन ने सोचा पूछ पकड़ के किनारे कर दें, तो हनुमान जी की पूछ उठाई, उठे ही नहीं, वो इतनी भारी पूछ कि भीमसेन से उठाए न उठे, एक हाथ लगाया नहीं उठी, दोनों हाथ लगाए, इतना बल का प्रयोग भीमसेन ने किया कि धड़ाम से घुटने के बल गिर गए, मूर्छा जैसी आने लग गई, बेहोशी, इतनी ताकत लगाई भीमसेन ने, ऐसे लगा कि सारी धरती उठ गई हो शेष के मस्तक से चार अंगुल ऊपर, पर हनुमान जी की पूछ नहीं उठी। भीमसेन थर थर कांपने लगे, बोले ये महापुरुष कौन है, बूढ़े से दुर्बल से बंदर बन के पड़े हैं, मैं पूछ नहीं उठा पाया। भीमसेन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, भगवान मैंने आपको कठोर वचन कहे, आप अपराध को क्षमा करें, आप कौन हैं, आप अपना परिचय दें। कहा, भीम मैं तुम्हारा अग्रज हूँ, पवन पुत्र हनुमान। अरे आप ही हनुमान जी हैं, तो चरणों में साष्टांग पड़ गए,
हनुमान जी ने हृदय से लगाया, अब हनुमान जी का स्वरूप बदल गया। तो भीमसेन ने कहा कि हनुमान जी, आपने जिस स्वरूप से लंका जलाई थी वो स्वरूप का दर्शन हम करना चाहते हैं। हनुमान जी हंसने लगे, बोले सामर्थ्य भी युग के अनुरूप होती है। तुम्हारा जन्म द्वापर के अंत में हुआ है, तुम मेरे उस स्वरूप को सहन नहीं कर सकते देखकर। इतना विकराल वह मेरा स्वरूप है, तुम सहन नहीं कर सकते हो। लंका दहन के स्वरूप को तो बिल्कुल सहन नहीं कर सकते हो। भीमसेन ने कहा, जानकी जी को आपने जिस स्वरूप में दर्शन दिया था, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकरत बलवीरा, पर्वताकार स्वरूप, हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा विशेष आग्रह तो मैं दिखाता हूँ। तो हनुमान जी ने जैसे ही गर्जना किया, अब तो हनुमान जी बैठे खड़े नहीं हैं, हनुमान जी बैठे हुए हैं तो हिमालय के बड़े बड़े पर्वत ऐसे हनुमान जी के विशाल श्रीअंग के सामने दिखने लगे जैसे मत पत्थर मिट्टी के ढेले पड़े हों। हिमालय जैसे बड़े बड़े पर्वत ऐसे ढेले जैसे दिखाई पड़ने लगे। बड़े बड़े देवदारू और साल के वृक्ष ऐसे दिखाई पड़ने लगे जैसे घास हो जमीन में, इतने विकराल हनुमान जी। एक एक उनका दांत पहाड़ के शिखर के जैसा, और विलक्षण हनुमान जी के श्रीअंग का तेज, उसको देख करके भीमसेन थर थर कांपने लगे, आंख बंद कर ली। बोले आपके इस तेजोमय स्वरूप को मैं सहन नहीं कर सकता, छाती फट जाएगी, हम दर्शन नहीं कर सकते। भीमसेन कह रहे हैं आप तो अपने उसी सौम्य रूप में दर्शन दें। तब हनुमान जी ने सौम्य रूप में दर्शन देकर उन्हें हृदय से लगाया और कहा, देखो इतना अहंकार लेके तुम देवलोक की सीमा में जा रहे थे तो तुमसे अपराध ही बनते, इसलिए मैंने तुम अहंकार मत करो। किसी भी प्राणी में जो बल है वह अनंत बल सिंधु परमात्मा का ही बल है, इसलिए किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। अरे विद्या दी तो भगवान ने दी, बल दिया तो भगवान ने दिया, बुद्धि दिया तो भगवान ने दिया, तो आप भगवान को धन्यवाद दो, न कि अहंकार करो। तुम कुछ वरदान मांग लो। भीमसेन ने कहा, महाराज एक बात तो ये है कि आप हमारे युद्ध होगा तो युद्ध में सहायता करना। हनुमान जी हंसने लगे, अरे बोले ये जो इस समय के वीर हैं ना, उनको तो हम मक्खी मच्छर जैसा समझते हैं, ये तो किसी किससे लड़े हम, मुझे तुम बुला रहे युद्ध की सहायता के लिए, क्या कैसा युद्ध, क्या युद्ध, कुछ नहीं। महाभारत युद्ध को हनुमान जी कुछ नहीं समझते, पर हम अर्जुन की रथ की ध्वजा पर विराजमान होंगे, बल बढ़ाएंगे, और जब तुम गर्जना करोगे तो तुम्हारी गर्जना के स्वर में अपनी गर्जना का स्वर मिला देंगे। इसलिए भीमसेन जब गरजते हैं वो गर्जना केवल भीमसेन की नहीं, हनुमान जी भी उसके साथ गरजते हैं, और यही कारण है कि बड़े बड़े विशालकाय गजराज उस शब्द से सुनकर उनकी छाती फट जाती, तमाम वीर तो गर्जना सुनकर मर जाते हैं। ऐसी हनुमान जी की, तो इसी को कहते हैं तरुण तेज राशि, ऐसे तेज राशि हनुमान जी महाराज हैं। कौन तेज बलसीम भट भीम से भीम निरखिकर नयन ढांके, ऐसा गोस्वामी जी, निरखिकर नयन ढांके। भीमसेन ने हनुमान जी को देखकर अपने नेत्र मूंद लिए कि हम इस भयंकर स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। जयति पाथोधिपाषाण जल जान कर जातुधान प्रचुर हर्ष हाता रुष्ट रावण कुंभकर्ण पाकारिजित
मर्मभित कर्म परिपाक दाता। हे श्री हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो। ये जो विशाल समुद्र है, उस विशाल समुद्र से आप पार कर गए, उस विशाल समुद्र को आपने पार कर लिया। इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ ये है कि जैसे जलयान जहाज, उस जहाज को बड़े से बड़े समुद्र पार करने में कोई कठिनाई नहीं है, ऐसी जलयान के समान आपने सहज ही समुद्र को पार कर लिया। एक अर्थ यह है। दूसरा अर्थ यह है कि जब राम जी ने सेतुबंधन लीला की, समुद्र पर पुल का निर्माण किया, श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण, राम जी के प्रताप से बड़े बड़े पहाड़ और पानी में तैरने लग गए, तो इन बड़े बड़े पहाड़ों को जहाज बनाकर तैराने वाले हनुमान जी आप ही हैं। आप लोग कहेंगे हनुमान जी तैराने वाले कैसे हैं? प्रश्न है ना, हनुमान जी कहाँ से तैराने आ गए? तो जो जो बड़े बड़े पर्वत आते हैं, वो पर्वत सब वहाँ इकट्ठे हनुमान जी देते हैं, जैसे कारीगर को मटेरियल दिया जाता है, ऐसे हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़ी शिलाएँ नल नील को देते हैं। और देकर क्या करते हैं? हनुमान जी अपने वज्र तुल्य नख से उन शिलाओं पर राम लिख देते, राम। तो एक पे लिखा रा, दूसरे में लिखा माँ, और जैसे ही दो पहाड़ों को, दोनों पहाड़ जुड़ गए और फिर उसको समुद्र में तरा देते, वो जल जहाज के जैसे समुद्र में तैरने लग जाता। मानो श्री हनुमान जी ये सबको चमत्कार दिखा रहे थे कि श्री राम नाम की महिमा देख लो, इतने बड़े बड़े पहाड़ एक राम नाम से पानी में नहीं डूबते हैं, तो जो जीव निरंतर श्री राम नाम का आश्रय लेगा वो भव सागर में कभी डूब नहीं सकता है। वो कभी भव सागर में डूब नहीं सकता है। श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण, श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके आओ। आज ज्येष्ठाभिषेक हुआ है और फूल बंगला में विराजे हैं सरकार, पहले दर्शन कर लो फिर आके बैठो। हनुमान जी ने कहा रघुनाथ जी से कि आपके प्रताप की ये महिमा है, कितने बड़े बड़े पहाड़ तैर रहे हैं। राम जी मुस्कुराए, बोले नहीं हमारी महिमा नहीं, ये तो तुम्हारा चमत्कार है, तुम जिस पहाड़ को छू देते हो वो डूबता ही नहीं। नहीं नहीं सरकार, हमें कहाँ से ये विशेषता आई, ये तो सब आपकी कृपा है, आपकी ही लीला है। राम जी ने कहा एक पत्थर हमको दो। एक शिला हनुमान जी ने राम जी को दी, राम जी ने उसको जैसे ही समुद्र में फेंका, धड़ाम से शिला समुद्र के जल में गिरी और अगाध जल में नीचे चली गई। राम जी हंसने लगे, बोले देख लो तुम झूठा प्रचार कर रहे हो कि राम जी के प्रताप से पहाड़ तैर रहे हैं। अरे हम अपने हाथ से जिसको पटक रहे हैं, हम छू रहे हैं जिसे, वो तो तर नहीं रहा है, तो हमारे में प्रताप आया कहाँ से? हनुमान जी ने कहा सरकार अपनी अपनी दृष्टि है, आप कुछ कह रहे हैं, हमको तो दूसरे ही कुछ दिख रहा है। क्या बोले सरकार, जिसे आप छोड़ देंगे वो तो डूबे गई,
आप जिसको पकड़ के रखेंगे वो नहीं डूबेगा, और जिसको आप ही छोड़ देंगे वो चाहे जितना बढ़िया हो उसको तो डूबना ही है। आपने अपने करकमल से उसको छोड़ दिया, वो बेचारा कहाँ जाएगा? आपके हाथ से छूटा हुआ तो डूबेगा ही। आओ विराजो, आज हम सोच रहे थे कि कल हमने कह दिया, अब पता नहीं आज आएंगे कि नहीं आएंगे, तो हम कह भी रहे थे कि नंबर खोजो, कोई नंबर हो तो उनको फोन करो कि आज तो हम यहीं हैं। तो राम जी, आपकी प्रार्थना स्वीकार हुई, दो तीन दिन बाद यहीं उसी क्रम से यहीं से शुरू करेंगे। वो जो कह रहे थे ना तीन दिन, वो नहीं, वो स्थगित है, यहीं से शुरू करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जो हमारे मन में भी आया कि भाई YouTube से सब सुनते तो हैं, यहाँ बैठे हुए लोग तो बेचारे सीधे साधे महात्मा कहाँ से YouTube देखेंगे। यहाँ तो वो वाला जो मोबाइल है वो सबके पास नहीं है, सामान्य मोबाइल ही लोगों के पास है, और बहुत से महात्मा ऐसे हैं जो हमारी बात को बहुत अच्छी प्रकार से मानने वाले, उनके पास तो मोबाइल ही नहीं है। जिसके पास ये व्याधि नहीं है उनसे हम ज़्यादा प्रसन्न हैं, ये भारी भयंकर व्याधि है। बहुत भारी पतन मोबाइल से हो रहा है, साधक जगत का घोर विनाश सत्यानाश इस मोबाइल से हो रहा है। ईमानदारी से यदि अपना कल्याण चाहो तो इसको छुओ ही मत, इतनी बुरी चीज है, क्योंकि मनुष्य विवेक पूर्वक उपयोग नहीं करता है। उसके मलिन दूषित संस्कार उसे अविवेक की ओर ले जाते हैं, पर जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनेगा, जो नहीं देखना चाहिए वो देखेगा। अरे नहीं तो समय तो बर्बाद होगा कि नहीं होगा? समय नष्ट हो जाएगा। एक क्षण की कीमत तीनों लोगों का मूल्य देकर नहीं चुकाया जा सकता। तो राम जी क्या कह रहे थे हम? हाँ, हम ये कह रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जयति पाथोधि पाषाण जल यान कर, 26 नंबर पद है और चरण है छठा, पांचवा चरण है। हे हनुमान जी महाराज, आप पाथोधि माने समुद्र में बड़ी बड़ी शिलाओं को, बड़े बड़े पर्वतों को जहाज के समान तैरा देने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुने, इसका मतलब यह है कि नलम सेतु मकारयत, नल नील ने सेतु निर्माण किया, यह बात सत्य है। लेकिन सच्ची बात है, सेतु निर्माण में भी गोस्वामी जी इस पद में कह रहे हैं, हनुमान जी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है, आपने ही बड़ी बड़ी शिलाओं को जल में तैराया। कैसे तैराया? तो आपने अपने वज्रतुल्य नखों से प्रत्येक शिला पर राम नाम लिखा, रा मा, एक पर लिखते रा एक पर लिखते मा, दोनों को रखते फट से वो जुड़ जाते, बिना सीमेंट और बिना किसी मसाले के वो पक्का जुड़ जाते। और फिर जब हनुमान जी उसको देते तो वो जहाज के समान पानी पर तैरने लग जाते। राम जी इस कौतुक को देख रहे थे हनुमान जी के। राम जी ने कहा, वाह हनुमान जी आप तो बड़े चमत्कारी हैं, हैं बताओ, इतने बड़े बड़े पहाड़
आप जल में तैरा रहे हो। अरे बोले महाराज, इसमें हमारी क्या विशेषता है, हम तो सामान्य बानर हैं। ये तो आपका प्रताप है, श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण। राम जी बोले झूठा प्रचार मत करो, हमारा काहे का प्रताप, ये सब तुम्हारी विशेषता है। और हमारा प्रताप तो लाओ एक पत्थर, हम देखते हैं अपना प्रताप। एक शिला हनुमान जी ने राम जी के हाथ में दी, राम जी ने उसको जैसे ही समुद्र में फेंका, वो तो धड़ाम से गिरी और गहरे पानी में डूब गई। राम जी हंसने लगे, बोले देख लो हमारा प्रताप कहाँ काम आया, ये पाषाण डूब गया, इसलिए ये चमत्कार तो तुम्हारा ही है। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, बोले महाराज, देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, हमारा नज़रिया अलग है देखने का, हमारी दृष्टि अलग है। क्या दृष्टि है आपकी? बोले हमको तो ये समझ में आ रहा है कि चाहे जितना उत्तम से उत्तम कोई हो, पर आप जिसे अपने हाथ से त्याग देंगे, छोड़ देंगे, उसका ठिकाना तीनों लोकों में कहाँ है, वो तो उसे भवसागर में डूबना ही है। आप जिसे पकड़ के रखेंगे वो नहीं डूबेगा, आप जिसे छोड़ देंगे उसको तो डूबना ही है। और फिर भगवान, हमें कहने में कोई भी संकोच नहीं है, आप भले ही किसी शिला को फेंकें डूब जाए, पर आपका नाम यदि उसमें विराजमान है तो वो डूबेगा नहीं, क्योंकि ब्रह्म राम ते नाम बड़, ब्रह्म राम से नाम बड़ा है। इस रहस्य को हनुमान जी ने प्रकट किया, इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं, जयति पाथोधि पाषाण जल यान कर। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। और कैसे हैं? बोले या तु धान प्रचुर हर्ष हाता, लंका के राक्षस बड़े मौज में रहते थे, उनको भय संकोच पीड़ा चिंता ये सब था ही नहीं, वो मस्त रहते थे रावण के राज्य में, देवता भी थर थर कांपते थे रावण से। हनुमान जी ही ऐसे हैं जो यात उधान माने राक्षसों के प्रचुर हर्ष को के हाता, उस हर्ष को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। अब आप विचार करो, हनुमान जी ने उन राक्षसों की क्या दशा कर दी, समय नहीं है मुझे, आप रामचरितमानस में श्री अंगद जी जो गए हैं लंका में वो प्रकरण उठाकर देख लेना। अंगद जी जैसे ही लंका में गए, पूरी लंका में हड़कंप मच गया, अरे वो ही बंदर आ गए जिसने लंका जलाई थी, बिनु पूछे मगदेही दिखाई। अंगद जी को पूछना नहीं पड़ता कि किस रास्ते से जाएं, लोग दूर दूर से जुहार करते हुए दन, महाराज यहां से चले जाइए, महाराज यहां से चले जाइए। और अंगद जी जिसकी ओर ऐसे देख लेते हैं उसके प्राण सूख जाते हैं, वो ऐसे ऐसे कांपने लग जाते हैं, कब हमारे तो मौत आ गई। अब ये दशा हनुमान जी ने प्रथम यात्रा में लंकावासी राक्षसों की कर दी, इसलिए गोस्वामी जी कहते यात उधान प्रचुर हर्ष हाता। और कैसे हैं? बोले दुष्ट रावण कुंभकर्ण पाकारिजित मर्मभित, पाकारिजित मर्मभित, श्री हनुमान जी महाराज वे दुष्ट रावण कुंभकर्ण पाकारिजित माने मेघनाद, इंद्र का नाम है पाकारी, पाक नाम का दैत्य था, उस पाक नाम के दैत्य को इंद्र ने समाप्त किया था, तो पाकारी अथवा पाकजित ऐसा नाम इंद्र का हुआ। तो पाकारी
माने इंद्र, और उस पाकारी इंद्र को जीत लेने वाला मेघनाद, उस मेघनाद के मर्म भित दुष्ट रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद तीनों के मर्मस्थल में चोट पहुंचाई आपने, किसी भी व्यक्ति के मर्म में प्रहार किया जाए तो वह व्यक्ति चाहे जितना शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, मर्मस्थान में आपने वार कर दिया तो एकदम होपलेस हो जाएगा, एकदम निरुत्साह हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, मरना हो सकता, बहुत गहरी चोट लग जाए तो मर जाए एक में ही, बड़े से बड़ा पहलवान भी मर्मस्थान ऐसे होते हैं। एक घटना सुनानी तो नहीं चाहिए लेकिन सुना देते हैं संकेत रूप में। गंगा किनारे एक दंडी सन्यासी रहते थे, बहुत अच्छे थे, बड़े भजन आनंदी संत थे। एक चेला आकर उनका बन गया सन्यासी, हट्टा कट्टा जवान था, और पूज्य श्री हरेराम बाबा उस समय गंगा किनारे घूमते थे तो बाबा विचरण करते करते गाजीपुर के आसपास, बनारस गाजीपुर है ना, गाजीपुर के आसपास की बात है, तो महाराज हरिराम बाबा जब वहां गए तो महात्मा बड़े प्रेमी, उन्होंने बाबा को रोक लिया, बाबा को भी वहां अच्छा लगा तो बाबा कुछ दिन वहां रह गए। एक दिन भी महात्मा बाबा के सामने फूट फूट कर रोने लगे, बोले महाराज मैं दंडी सन्यासी हूं, विधिवत शास्त्रों को पढ़ा और ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे सन्यास में गया, मैंने बालकालीन साधक हूं, पर हमने चेला क्या बनाया, विपत्ति मोल ले ली, इसको भी कुछ पढ़ाया लिखाया, इसको सन्यासी बना दिया, चेला बना लिया, अब ये आए दिन मेरा घोर तिरस्कार करता है, उस तिरस्कार से मैं, हमें दुख नहीं है, पर दुख इस बात का है कि सन्यासी को जिसने गैरिक वस्त्र धारण कर लिए उस व्यक्ति को विष के समान कंचन और कामनी का त्याग करना चाहिए, धन का संपर्क और स्त्री का संपर्क जहर के समान त्यागना चाहिए साधु को, विरक्त को। कहा तो शास्त्रों में लिखा है कि काष्ठ की बनी हुई प्रतिमा को पैर से सन्यासी न छुए, भागवत जी में लिखा न स्पर्शे दारवीम अपि, काष्ठ की बनी स्त्री का स्पर्श न करें। और यह इतना दुष्ट है यह हमारा चेला कि एक स्त्री का संपर्क इससे हो गया है, वो स्त्री यहां आती है, और जो एक साधु को नहीं करना चाहिए वो सब ये करता है। तो मैं बहुत पीड़ित होता हूं जब मैं इसे समझाता हूं तो कहता है गला दबा के गंगा जी में फेंक दूंगा, समाधि दे दूंगा तुम्हारी, चुप रहो। अब मैं कहाँ जाऊँ बुढ़ापे में, जीवन भर तो चेला नहीं बनाया, अब चेला बनाया तो चेला ही आफत बन गया। बाबा बोले रोगे तो नहीं चेला के लिए, ध्यान में आई बात, बड़ा मोह हो जाता हमारा चेलों से, ये भी कम मोह माया नहीं है, चेलों की मोह माया भी बड़ी भारी मोह माया है। इसलिए स्वामी जी की बात बड़ी अच्छी लगती है हमको कि अपने से न जोड़ के ठाकुर जी से जोड़ो और अपने किनारे हो जाओ।
ये चेलों की माया भी बड़ी भयंकर है। तोले इसको हम ठिकाने तो लगा देंगे तुम्हारे चेला को, लेकिन फिर रोना नहीं कि चेला चला गया हमारा। बोले महाराज, भगवान मिलने से कितनी प्रसन्नता होती होगी साधक को, क्या हमको उससे ज्यादा प्रसन्नता होगी दुष्ट संग जन दे विधाते भगत जी यहां चला जाए कैसे भी। अच्छा, रोगे नहीं? बोले बिल्कुल नहीं रोएंगे। सेवा कौन करेगा? बोले सेवा कौन करता है, अभी भी क्या करता है सेवा, सताता जरूर है, सेवा तो कुछ नहीं करता है। बाबा बोले ठीक है, बोले हमको कुछ दिन यहां रहना पड़ेगा। रात विराज जैसे हुआ स्त्री आई, बाबा तो एकदम सावधान थे, पतला सा चद्दर ओढ़ करके सो तो रहे थे, चिमाने पड़े थे। चिमाना जानते हो ना, बुंदेली में चिमाना माने चिमाने पड़े थे का मतलब है, क्या होता चिमाना पड़े का मतलब, माने जग रहे थे लेकिन दूसरे लग रहा था कि सो रहे हैं। ये मर्मभित की व्याख्या कर रहा हूं मैं, अलग से कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो हनुमान जी के बड़े भक्त थे हरे राम बाबा, तो बाबा ने तुरंत उठे बाबा और ललकार कर उसके निकट पहुंचे। वो तो बड़ा पहलवान था, कट्टा कट्टा था, खूब दूध घी खाता था। बाबा के ऊपर दौड़ा, बोले देखो मार डालूंगा तुमको, तुम आए कैसे यहां। तो बाबा ने, बाबा जानते थे सब चीज, तो बाबा कहते मैंने हनुमान जी का स्मरण किया, मैंने कहा ये आ रहा है लड़ने के लिए, मैं क्या करूं, मार डालेगा जरूर, ये तो तगड़ा है, मैं इतना तगड़ा नहीं हूं, क्या करूं। तो बोले जोर से मैंने एक घूंसा उसकी यहां नाक पर जड़ा, ऐसे नाक पर घूंसा, इसको कहते मर्मभित, तो ऐसे मर्मस्थान पर घूंसा जड़ा कि नाक से खून की धार लग गई। लेकिन वो इतना तगड़ा था कि इतनी जोर की चोट खाकर भी वो हमको दाब लिया, पकड़ लिया। अब मैंने कहा तो मार डालेगा, अब क्या करें। तो पोता पकड़ लिया उसका जोर से, पोता पकड़ लिया और ये तो ऐसा मर्मस्थान है कि आदमी मर ही जाए, सो ही ऐसा रुंज पुंज हो गया, छोड़ दिया। बाबा बोले अब तुझे है ना हत्या लगे तो लग जाए, भले तू ब्राह्मण है कुछ भी है, वो गंगा जी में फेंक देंगे, तू गुरु जी की समाधि देना चाहते ना तो तेरी समाधि देंगे। बोले महाराज हमको छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, छोड़ दो, हाय हाय मर जाऊंगा मर जाऊंगा। बोले अभी यहां से निकल जाओ और मैं अब यहीं रहने वाला हूं, यहां से कहीं जाने वाला नहीं हूं, इस पूरे गंगा जी के इस किनारे उस किनारे में कहीं दीख नहीं जाना। अर्धरात्रि को ही बाबा ने उस व्याधि को सदा सर्वदा के लिए वहां से विदा कर दिया और पूरा चातुर्मास वहां किया, शांति आ गई। यह हम आपको सिखा नहीं रहे कि किसी को मार पीट करना, लेकिन एक बात है, हनुमान जी तो सब बता रहे हैं। हनुमान जी जानते हैं युद्ध का कौशल के लड़ाई हो तो ऐसी जगह हाथ वात नहीं चलाना चाहिए कि व्यक्ति 10-5 चोट खा के भी हंसता रहे। ऐसे हाथ चलाओ तो ऐसा हाथ चलाओ जय सियाराम। हाँ, तो मर्मस्थान में जब कोई चोट पड़ती है तो बड़ी भारी पीड़ा होती है। हनुमान जी ने दुष्ट रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ तीनों को ऐसा मर्मस्थान में प्रहार किया कि ये तीनों के तीन मरते मर गए, हनुमान जी के सामने द्वारा नहीं आए, हनुमान जी से बच जाते थे। महाराज जी
मांस वैदिक में लिखा है, मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि के सन्निपात स्थान, इनको आयुर्वेद में मर्मस्थान कहा गया है। और मर्मस्थान इसलिए इनको कहा गया कि इन मर्मस्थानों में प्राणों का निवास रहता है, इसलिए इन मर्मस्थानों पर चोट होने से प्राण जल्दी निकल जाते हैं। प्रकृति स्थान परिमाण भेद से मर्म पांच प्रकार के होते हैं, और इस शरीर में कितने मर्मस्थान होते हैं, आयुर्वेद के अनुसार इस शरीर में 107 मर्मस्थान होते हैं। कितने? 107, 108 में एक कम। उनमें 107 में 19 स्थान तो ऐसे होते हैं जो प्राण हर, जो तत्काल प्राण हरण करने वाले हैं। 33 ऐसे होते हैं जो कालांतर मारक, जिनमें चोट पहुंचने पर जल्दी नहीं मरता लेकिन 2-4 दिन में मर जाएगा, ऐसा है। 44 स्थान ऐसे होते हैं जो वैकल्प कारक, हो सकता मर जाए हो सकता बच भी जाए, 44 स्थान ऐसे होते हैं। 8 स्थान ऐसे होते हैं कि मरता नहीं है पर शरीर में कोई ऐसी व्याधि पैदा हो जाती है कि वो व्याधि ठीक नहीं होती, रुजा कारक। और 3 स्थान ऐसे हैं जो विशल पग्न हैं, वो मार देते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी को इतना अच्छा आयुर्वेद का ज्ञान है, शरीर विज्ञान का इतना बढ़िया बोध हनुमान जी को है कि शरीर में 107 या 33 या जितने भी 19 जितने स्थान है सब हनुमान जी को पता है कि युद्ध में चोट कहाँ करनी है, ये हनुमान जी को मालूम है। और महाराज जी श्री हनुमान जी महाराज ऐसा ही करते हैं। हनुमान जी ऐसा ही करते हैं। अब देखो रावण के ऊपर हनुमान जी ने प्रहार किया, रावण के ऊपर मुठी का एक ताही कपि मारा। मुठी का माने घूसा, मुठी का एक ताही कपि मारा, परयु शैल जनु वज्र प्रहारा। जैसे देवराज इंद्र ने किसी पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो, ऐसे हनुमान जी का एक घूंसा वज्र प्रहार के समान घूंसा खा करके रावण घुटनों के बल गिर गया, 20 भुजा धरती पर टेक दी, 10 मुंह से रक्त बहने लग गया रावण के एक घूंसा में। तो हनुमान जी को पता है कि कहां घूंसा मारना है, मर्मस्थान में चोट लगाई। और रावण को जब होश आया तो रावण बोला, धन्य है तुम्हारी माँ को धन्य है जिसने तुम्हारे जैसा वीर पैदा किया, एक घूंसे में त्रिलोक विजयी रावण की यह दशा। हनुमान जी ने हंसकर कहा, धिक्कार है जो एक घूंसा खा के भी तू जिंदा रह गया। और ये भी बात है, हनुमान जी ने घूंसा मारते मारते थोड़ा मन में सोच लिया कि इसको राम जी के हाथ से मरना है, ब्रह्मा जी ने ऐसे ही विधान बनाया है तो लोक पितामह ब्रह्मा जी की बात झूठी ना हो जाए, यश तो राम जी को मिलना चाहिए, यदि मैंने मार दिया तो स्वामी के सुयश की हानि होगी और यह सेवक के द्वारा एक अपराध बन जाएगा, इसलिए सेवा धर्म के आचार्य हनुमान जी ने घूसा रावण को जमाया तो सही पर इस संकल्प को लेके जमाया कि बस
मरे तो नहीं पर मरे से बुरी हालत हो जाए, पता चल जाए हाँ कि घूसा कहते किसको है। हाँ ये हनुमान जी ने दिखा दिया। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, आप लोग कहेंगे हनुमान जी में इतनी ताकत है, सुन लो 10,000 मत वाले हाथियों का बल एक इंद्र के ऐरावत हाथी में होता है। कितने हाथियों का बल? 10,000 मत वाले हाथियों का बल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में होता है और 10,000 ऐरावतों का बल एक इंद्र में होता है। कोई गणितज्ञ बैठे हैं तो हिसाब जोड़ के बताओ भाई, 10,000 हाथियों का बल एक ऐरावत में और एक ऐरावत 10,000 ऐरावतों का बल एक इंद्र में, तो कितना बल हुआ, कितने हाथियों का बल हुआ? हैं 10 करोड़। भाई देखो झूठ बोले तो ये सत्यव्रत जी जाने, वैसे इनका नाम तो सत्यव्रत है, झूठ क्यों बोलेंगे? हैं हाँ कैलकुलेशन ठीक है, चलो हम विश्वास करते हैं, हम तो गणित पढ़े ही नहीं, तो आप जो कहोगे उसको हम मानेंगे, मान लिया 10 करोड़ हाथियों का बल है एक इंद्र में। इसलिए इंद्र कोई सामान्य देवता नहीं है, इतना बलवान है इंद्र। और उस इंद्र को मेघनाद ने जीत लिया, आप सोचो मेघनाद कितना बलवान होगा। इतना बलवान इंद्र जिसमें कितना बताया, 10 करोड़ हाथियों का बल जिस इंद्र में, अब हनुमान जी का सुन लीजिए, 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी के क्रोया में है। फिर से सुन लो, 10,000 मत वाले हाथियों का बल एक ऐरावत हाथी में, 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में और 10,000 इंद्रों का बल हनुमान जी, ये हनुमान जी के क्रोया में। अब 10,000 इंद्र का गिनती करो कितना हुआ, नहीं कर सकते। अब कोई मशीन हो तो जोड़ो हनुमान जी के एक एक रोया का, कितने रोया होंगे, कितना बल हनुमान जी में है। इसलिए कोई पैमाना ही नहीं है, अतुलित बलधामम हेम शैलावधे हम धनुज बन कृषानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अतुलित बल माने श्री रघुनाथ जी, रघुनाथ जी के बल की तुलना नहीं है, राम जी अतुलित बल है। और अतुलित बल वाले श्री रघुनाथ जी ने जिनके हृदय को अपना धाम निवास स्थान बना रखा है, ऐसे अतुलित बल श्री राम जिनका जिनके हृदय में विराजते हैं, ऐसे हनुमान जी, राम जी का संपूर्ण बल हनुमान जी को प्राप्त है। इसलिए राम जी अतुलित बल वाले हैं, हनुमान जी अतुलित बल वाले हैं। ये तो रावण की हालत हुई, अब कुंभकर्ण की हालत। कुंभकर्ण ने हाहाकार मचा दिया था युद्ध में, बंदरों की इच्छा खत्म लड़ने की, बंदर बोले अब नहीं लड़ेंगे। भाग रहे थे सब बंदर भालू, हनुमान जी ने देखा तो बड़ी हंसी हो रही है हमारी, राम जी की हंसी हो रही है, बोले भागो मत, तमाशा देखो, मैं अकेले ही इससे लड़ूंगा। बंदर तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए। तब मारुत सुत मुठिका हनयो, हनुमान जी ने एक घूसा कुंभकर्ण को जमाया। तब मारुत सुत मुठिका हनयो, परे उधरनी व्याकुल सिर धुनयो।
एक घूंसा खाकर कुंभकर्ण लौट गया धरती में और रोने लगा, बड़ी जोर जोर से माथा कूटने लगा, हाय 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 मैं क्या करूं। एक घूंसे में कुंभकर्ण की हालत, इसलिए कहा मर्मभित। ठीक इसी प्रकार जब लक्ष्मण को वीरघातनी शक्ति के द्वारा मेघनाद ने मूर्छित कर दिया, तब श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे। हनुमान जी ने ताल ठोका और कहा, हे दुष्ट मेघनाथ, तू असली में रावण का बेटा हो, मंदोदरी का बेटा हो, तेरी मैया ने दूध पिवाया हो, तो अब आजा मेरे सामने। खूब ललकारा, बार बार प्रचार हनुमाना, ललकारा, बार बार प्रचार हनुमाना, निकट नाव मरम सो जाना। वो समझ गया कि अब ये छोड़ेंगे तो मार ही डालेंगे, इसलिए हनुमान जी के बारंबार ललकारने के बाद भी मेघनाथ भाग गया, वहां से आया नहीं। एक तो मेघनाथ पूरी सेना में हनुमान जी से डरता था, जल्दी सामने नहीं आता था, और एक मेघनाथ जामवंत जी से भी डरता था। हाँ, जामवंत जी से भी डरा, इतना डरा मेघनाथ कि मरते मर गया, द्वारा जामवंत जी के सामने नहीं आया। जब इसने नागास्त्र छोड़कर सबको घायल कर दिया, राम लक्ष्मण को भी बंधन में डाल दिया, ब्रह्मा जी के स्वरूप जामवंत जी के ऊपर उसका प्रयोग नहीं चला, अंत में जामवंत जी महाराज लड़ने आए, अरे दुष्ट मुझसे युद्ध कर। यह सुन करके मेघनाथ बड़ी उपेक्षा पूर्वक ठहाका लगाकर हंसा और बोले, रे मैं तो तुझे बुढ़ा मानकर छोड़ रहा था, पर तो बुढ़ा मरना ही चाहता है, तो आजा। जामवंत जी महाराज की एक आदत थी, स्वभाव, वे सब कुछ सहन कर सकते, पर उनको कोई बूढ़ा कह दे ये उनको बिल्कुल सहन नहीं होता था। वृद्ध तो सबसे ज्यादा थे वो, क्या उम्र का ठिकाना, महाराज कब भगवान ने वामन रूप धारण किया और उस समय भगवान की सात परिक्रमा, विराट भगवान की सात परिक्रमा पूरे ब्रह्मांड की केवल 48 मिनट में करके आए, वो भी नगाड़ा बजाते हुए। ऐसे प्रचंड पराक्रमी, उभय घरी महि दीनी सात प्रदक्षिण धाय, ऐसे प्रचंड पराक्रमी श्री जामवंत जी महाराज, कोई हथियार हाथ में नहीं है उससे लड़े, उसके बड़े बड़े दिव्यास्त्रों को ऐसे जैसे कोई सींक तोड़ के फेंक दे, ऐसे तोड़ के फेंक देते, अष्ट घंटा समन्वित मंत्रात्मक सूल जामवंत जी के ऊपर चलाया, बोले अब तू मारा ही जाएगा। जामवंत जी ने उपेक्षा पूर्वक उसको हाथ से पकड़ लिया, बाएं हाथ से पकड़ लिया। अब आप सोचो, आप दाहिने हाथ से पत्थर फेंको और बाएं हाथ से पत्थर फेंको तो ज्यादा जोर से किससे फेंकेगा पत्थर, दाएं से कि बाएं से? बाएं से ज्यादा जोर नहीं रहेगा फेंकने में, दाएं से जोर रहेगा। जामवंत जी ने यह दिखाया कि तुमने मंत्र पढ़े, तपस्या करी, शक्ति प्राप्त की, वही पूरी ताकत लगा के फेंकी और उन्होंने बाएं हाथ में उसको पकड़ लिया, उल्टे उसी के ऊपर चलाया। वो तो अमोघ शक्ति थी,
शक्ति जिस पर छोड़ी जाए उस पर प्रभावी न हो तो जो छोड़ने वाला उसको नष्ट करती है। मेघनाथ को शक्ति लगी, मेघनाथ बेहोश हो गया। बर प्रसाद सो मरे न मारा, उसको वरदान था इसलिए वो नहीं मरा। वो लक्ष्मण जी के हाथ से ही मर सकता था क्योंकि 14 वर्ष तक जिसने अन्न ग्रहण न किया हो, 14 वर्ष तक जिसने एक क्षण भी नींद न ली हो, 14 वर्ष तक जिसने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, जिसकी नारी महान पतिव्रता हो, ऐसा कोई वीर पुरुष मेघनाथ का वध कर सकता था? और ये सारी विशेषताएं केवल लक्ष्मण जी में थी, इसलिए लक्ष्मण जी के हाथ से मरने का विधान था उसका। मेघनाथ का वध सबसे बड़ा आश्चर्य था, बहुत बड़ी बात थी। बर प्रसाद सो मरे न मारा, वो मर नहीं रहा था। तो जामवंती जी ने क्या किया, उसका पैर पकड़ के हिलाया डुलाया और हिला डुला करके उसको पैर पकड़ के जोर से घुमा के फेंका। जब उसको फेंका तो वो जाकर के कहाँ गिरा, जब उसको फेंका तो वो रावण के बिल्कुल सामने जाकर गिरा। और जब उसको होश आया तो देखा पिताजी बैठे, उनके चरणों में मैं पड़ा हुआ हूँ। इतनी बेइज्जती हुई उसकी, क्योंकि वह डींग हाँक के गया था कि मैं सबको मार के आऊँगा और खुद ही यहाँ बेचारा पड़ा। अरे बोले बुढ़ा बहुत खतरनाक है, हैं? बुढ़ा बहुत खतरनाक है, अब मरते मर जाऊंगा पर भूल कर भी जामवंत के सामने नहीं जाऊंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे यहाँ भी जामवंत जी महाराज हमारे गुरु भाई श्री सुखराम दास जी हैं, भगवान की कृपा से भी खूब पुख्ता हैं, 85 वर्ष के। 85 हो गए बाबा, 84 वर्ष की आयु है बाबा की। और ठाकुर जी की कृपा से आज भी वृंदावन की परिक्रमा एकादशी को कर लेते हैं, दो एकादशी पढ़ें तो दो परिक्रमा कर लेते हैं, अमावस्या पूर्णिमा को भी परिक्रमा कर लेते हैं। तो खाक चौक की एक घटना है, बाबा उस समय और तगड़े थे, तो गंगादास और चंदू ये दो बहुत बाबा से खेल करते, बच्चे खेलते हैं। बाबा ने देखा तो जादू को करने लगे, तो बाबा ने क्या किया, दोनों को पकड़ के ऐसे खाक में ऐसे दबा लिया। इन्हीं बाबा ने दोनों ही चिल्लाए बड़ी जोर से। उसके बाद से लेके अब तक आज भी वो याद करते हैं, अरे अरे बाबा में बहुत जोर है, बहुत ताकत है। इसलिए हम इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि तुमने जितना पानी नहीं पिया उससे ज्यादा वे महापुरुष घी पी चुके हैं, इसलिए कभी किसी बूढ़े से अटकना नहीं। हाँ, वृद्धों में बहुत जोर होता है, बहुत ताकत होती है। और बाबूजी तो बोलते हैं कि 47 के पहले जो जन्मे हैं उनमें जोर ज़्यादा है, 47 के बाद, 1947 के बाद जिनका जन्म हुआ है उनमें जोर कम है, 47 के पहले जो जन्मे उनमें जोर ज़्यादा है। आप तो 47 के पहले के हो ना, 44 के, इसलिए बाबा देखो सन 44 का जन्म है बाबा का, श्री लाल बाबा का। और स्थान में खूब खटते हैं, खूब श्रम करते हैं। तो हनुमान जी महाराज ऐसे हैं और कैसे हैं, दुष्ट रावण कुंभकर्ण पाकारिजित मर्मभित कर्म परिपाक दाता। हनुमान जी का एक विशेष नाम लिया, कर्म परिपाक दाता।
देखो व्यक्ति मनमाने ढंग से कर्म करता है, पर आवश्यक नहीं है कि उन कर्मों का फल आज ही उसे मिल जाए। आज आपने खेत में बीज डाला, आज ही तो फसल पक्के नहीं आ जाएगी। समय पर बीज अंकुरित होगा, बढ़ेगा, फलित होगा। इसलिए छोटे से छोटा भी कोई भयंकर पाप कितने बड़े रूप में उसका परिणाम कब भोगना पड़ेगा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए कर्म के परिपाक का विचार करके शास्त्र निषिद्ध कर्मों से प्रत्येक व्यक्ति को बचना चाहिए। उस छोटे से कर्म का कितना भयंकर परिणाम होगा नहीं कहा जा सकता। कर्म परिपाक दो प्रकार का है, एक थोक एक फुटकर। कर्म का फल थोक रूप में मिलता है नरक में, थोक, और फुटकर मिलता है यहां। पुण्य पाप का थोक भुगतान स्वर्ग नरक में होता है, और फुटकर पाप पुण्य बचते हैं उनको भोगने के लिए यहां जन्म लेना पड़ता है मृत्यु लोक में, मनुष्य योनि में। बड़े से बड़े महापुरुषों के भी, बहुत ध्यान से सुने बात, बड़े से बड़े महापुरुषों के भी केवल पुण्य ही पुण्य नहीं होते हैं। ये शरीर सिद्धांत है, पुण्य पाप का सर्वथा अभाव हो जाएगा तो जन्म ही नहीं होगा। पुण्य पाप के संस्कारों से ही जन्म होता है। वर्तमान शरीर पैदा हुआ है, जन्मा है, इसका मतलब है कोई न कोई पाप, कोई न कोई पुण्य शेष हैं, उन पुण्य पापों के भोग के लिए शरीर मिला है। इसलिए जीवन मुक्त, भगवत साक्षात्कार संपन्न, प्रेमानंद समुद्र में, ब्रह्मानंद समुद्र में निरंतर डूबे रहने वाले महात्माओं के शरीर की प्राप्ति में भी कुछ न कुछ पाप रहता है। पुण्य तो है ये, पर पाप भी रहता है। और उस पाप का परिणाम निंदा, तिरस्कार, रोग, व्याधि आदि के रूप में आता है, और उसे भोगना पड़ता है। चाहे जितना बड़ा महात्मा, भोगना पड़ेगा, क्योंकि देह जो है ना वो पुण्य पाप का परिणाम है। जैसे किसी अगाध जल से भरे हुए सरोवर में एक पत्थर पटक दिया जाए तो उस पत्थर के पटकने से लगता है कि 10-20 हाथ का क्षेत्र प्रभावित हुआ, ऐसा लगता है कि नहीं? छोटा पत्थर फेंको तो इतनी जगह, बड़ा पत्थर फेंको तो 10-20 हाथ का क्षेत्र तरंगायित तो हो गया, ऐसा लगता है। ध्यान में ही बात कि नहीं? लहर उठती है, तरंग उठती है, किंतु सच्ची बात यह है कि बड़ा पत्थर नहीं, छोटा पत्थर भी फेंकने पर जो सूक्ष्म तरंग उठती है वो तरंग केवल 2-4 फीट नहीं, वो उस सरोवर के अंतिम छोर तक पहुंचती है, पर उसकी गति इतनी सूक्ष्म होती है कि वह इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, पर उसकी तरंग वहां तक पहुंचती है। इसका मतलब समझते हैं? भगवत साक्षात्कार होने के पश्चात भी ब्रह्मानंद सिंधु में, प्रेमानंद सिंधु में डूबे रहने के बाद भी
ये दुष्टों का अत्याचार, निंदा, तिरस्कार, अपमान, व्याधि, इनके पत्थर जब पड़ते हैं तो भले ही दूसरे ही क्षण वे अपने ज्ञान और विवेक से शांत हो जाते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए उनके चित्त में भी क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। लेकिन उनके चित्त में क्षोभ उत्पन्न होने के बाद भी वे उन विकारों से क्षुब्ध हैं यह नहीं माना जाता है। यह बात सांख्य कारिका में लिखी हुई है। परम श्रद्धे पूज्य श्री रमण ऋति वाले महाराज जी ने अभी एक दिन निर्जला एकादशी के दिन उनका आशीर्वाद मिला और उन्होंने ये बात बताई। उन्होंने ये बात बताई और वो प्रकरण दूसरा था और उस प्रकरण में उन्होंने ये बात बताई। उस प्रकरण को हम यहां उठाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो उठाने से कोई लाभ नहीं है। किसी भी महापुरुष के जीवन में उसके द्वारा जगत को, संसार को उसका क्या योगदान है, इस पर ध्यान पूरे संसार और पूरे समाज को देना चाहिए। सूरपवत दोष मुत्सृज्य गुणान गृहणन्ति साधवः। संत जो होते हैं वो सूप के समान होते हैं, वे दोषों को ध्यान में नहीं देते हैं, वे गुणों को ही ध्यान में देते हैं। सूरपवद दोष मुत्सृज्य गुणान गृहणन्ति साधवः। साधु पुरुषों की पहचान है, सूप के समान होते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। संत सूप के समान होते हैं और दुष्ट चलनी के समान होते हैं। चलनी जानते हो? आटा छालने वाली। सूप जो होता है वो असार को तो उड़ा देता है, सार को रख लेता है, और चलनी सार को तो नीचे गिरा देती है और कचड़ा कूड़ा अपने में बटोर लेती है। दुष्ट ऐसे ही होते हैं, उन्हें गुण किसी के दिखते ही नहीं, उन्हें सदा सर्वदा दोष ही दिखते हैं। और कई बार तो ये दृष्टि इतनी प्रबल हो जाती है कि दोष भी गुण भी उन्हें दोष के रूप में दिखाई पड़ने लग जाते हैं, जिसको असूया कहते हैं, गुणेश दोषा विस्करण असूया। तो समाज किसी एक बात को लेकर के बड़े से बड़े प्रसिद्ध महापुरुषों की छींछा लेदर करने में तो नहीं चूकता, लेकिन उन महापुरुषों के द्वारा पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को क्या मिला है, उनका क्या योगदान है, इसको वे निंदक लोग भूल जाते हैं। शास्त्री जी, बड़े से बड़े प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध महापुरुष को आपने नीचे गिरा दिया सोशल मीडिया पे बोल के और
उनके खिलाफ आवाज़ उठा के आपने नीचे गिरा दिया, चलो गिरा दिया, पर आप उस कोटि का दूसरा कोई खड़ा करके तो दिखाओ, माई के लाल हो, हिम्मत हो तो दूसरा कोई खड़ा करके दिखाओ। दूसरा आप खड़ा नहीं कर पाएंगे, और जो खड़ा है उसे आप देख नहीं पा रहे हैं, आपके जीवन को धिक्कार है, आपका दुर्भाग्य है। हम ये नहीं कहते हैं कि शास्त्र विरुद्ध आचरण करने चाहिए, हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं। आपकी अवस्था चाहे जितनी ऊंची हो, आपको ऐसे ही काम करना चाहिए जिससे समाज में आदर्श की स्थापना हो। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम नाचरणीयम, हम इसी के पक्षधर हैं। लेकिन हम एक बात को लेकर के श्री मुरारी बापू जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद ही नहीं देते, उनको सादर वंदन करते हैं कि पूरे संसार में प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में, प्रायः बहुत लोगों के हाथ में रामचरितमानस उन्होंने पहुंचा दी। कौन से गांव गए थे हम, जहाँ गीता का स्वाध्याय था गीता जयंती के अवसर पर, कौन से गांव गए थे, नाम भाई याद दिलाओ। सीताराम, क्यों खड़ा हुआ, कौन से गांव गए थे हम जहाँ गीता जी का स्वाध्याय हुआ था, हम लोग पहुँचे थे और वहाँ प्रतिवर्ष बापू पहुँचते हैं ना, हैं जी, मैं नाम भूला हूँ उस गांव का, गुजरात में गए थे ना, देखो बहुत खूब नाम याद है पर भूला है। गीता का स्वाध्याय वहाँ चलता है लगभग प्रतिवर्ष, 3 दिन वे वहाँ रहते हैं और सौराष्ट्र गुजरात के सभी विद्वान वहाँ एकत्रित होते हैं, हम भी वहाँ गए थे, जोड़िया, जोड़िया। तो वहाँ मैंने स्वयं सुनी हुई बात, आंखों देखी बात बता रहा हूँ, अशोक जी मुसलमानों के बच्चे बच्चियों को गीता के कई कई अध्याय कंठस्थ हैं, यद्यपि वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, लेकिन वे रामचरितमानस का इतना बढ़िया बच्चे पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि जहाँ आए दिन दंगे होने चाहिए, वहाँ वे जिनके यहाँ कट्टरता ही सिखाई जाती है और वे उनके यहाँ रामचरितमानस का पाठ करने वाले बच्चे जिनको कितनी चौपाइयाँ याद हैं, कितने प्रसंग याद हैं, गीता के कितने अध्याय कंठस्थ, बढ़िया उच्चारण, ये किसकी महिमा है? यह एक उस महान व्यक्तित्व की महिमा है जिसके सौहार्द के कारण उन विधर्मियों के भीतर भी उत्तम संस्कार भले ही एक अंश ही आया हो, पर आया तो सही। हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि आप अपने सनातन परंपरा के गौरव को भूल जाएं, आप वर्णाश्रम व्यवस्था को भूल जाएं, ये हम बिल्कुल नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारा धर्म सभी प्राणियों में परमात्मा के दर्शन की आज्ञा देता है, वासुदेवः सर्वम्। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान, सी राममय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुगपानी। सबके स्मरण की बात कही जाती है,
अपनी मर्यादा को बचाकर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो दूरभाष पर महाराज जी से चर्चा हुई, तो उसमें महाराज जी ने कहा कि ब्रह्मानंद में डूबे रहने वालों का भी शरीर तो पुण्य पाप का परिणाम है, भले ही वो चाहे जिस अवस्था में हो। ऐसे कुछ न कुछ पत्थर गिरते हैं जिससे थोड़ा विक्षेप भी होता है, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक का नहीं होता है। वो विक्षेप उनके ज्ञान और भक्ति के बल के प्रभाव से वो तत्काल शांत हो जाता है, वे अपनी स्थिति में सदा सर्वदा बने रहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब दूसरे की बात छोड़ दो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा हैं, निरंतर प्रेमानंद विरहानंद भावानंद में डूबे रहने वाले हैं, लेकिन काशी के लोगों ने उन्होंने पीड़ित प्रताड़ित किया, अथवा काशी के लोगों ने पीड़ित प्रताड़ित किया, अथवा उनके ऊपर तंत्र मंत्र आदि के प्रयोग किए गए, तो उससे गोस्वामी जी पीड़ित व्यथित हुए कि नहीं हुए? और वो पीड़ा व्यथा विनय जी में भी यत्र तत्र उसका संकेत है और अन्य ग्रंथों में भी उसका संकेत है, लेकिन वह अधिक काल तक रहता नहीं है। और उससे लाभ क्या होता है? उससे लाभ यह होता है कि शरीर के अशुभ प्रारब्ध का क्षय हो जाता है, और शुभ अशुभ दोनों का क्षय जब हो जाता है वो जीव फिर भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। इसलिए निंदा के योग्य कार्य मत करो, पर कोई निंदा तुम्हारी करता है तो क्षुब्ध मत हो, दुखी मत हो। कबीर दास जी कहते, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी सावन बिना निर्मल करे सुभाए। चरणदास जी का बड़ा सुंदर पद है, निंदक मित्र हमारा साधो, निंदक मित्र हमारा, निंदक मित्र हमारा साधो, निंदक मित्र हमारा, निंदक को नियरे ही राखो, हो नन देव नियारा साधो, निंदक मित्र हमारा। पाछे निंदा करी अघ धोवे, सुनी मन मिटे विकारा, जैसे सोना तापी अग्नि में निर्मल करे सुनारा, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा। घन अहरन कसी हीरा निवटे, कीमत लक्ष हजारा, ऐसे जांचत दुष्ट संत को करन जगत उजियारा, साधो निंदक मित्र हमारा। सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा, हमरी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा, साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक के चरणन की स्तुति बरनो बारंबारा, निंदक के चरणन की स्तुति बरनो बारंबारा,
चरण दास कहें सुनिए साधो, निंदक साधक भारा साधो, निंदक मित्र हमारा साधो, निंदक मित्र हमारा। तो ये कर्म परिपाक दाता, इसी पर चर्चा हम कर रहे थे कि कर्म का जो परिपाक है उसी का परिणाम ये शरीर है। थोक पुण्य का भुगतान स्वर्ग में हो गया, थोक पाप का भुगतान नरक में हो गया, आप फुटकर पुण्य पाप बचे उसको भोगने के लिए यहां पैदा हो गए मृत्युलोक में। पर श्री हनुमान जी इस कोटि के हैं। भगवान कहते ना गीता में, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते कर्म का फल तो हमारी मुट्ठी में है, हनुमान जी की मुट्ठी में कर्म का फल है हमारा। ये राक्षस तो सोचते ही नहीं थे कि हम जो उठपटांग कर रहे हैं इसका फल हमको भोगना पड़ेगा। पर श्री गोस्वामी जी कहते हैं कर्म परिपाक दाता। हे हनुमान जी महाराज, इन दुष्टों के कर्म परिपाक का फल देने वाले आप ही हैं। क्यों फल देने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुने। हनुमान जी ये जानते हैं कि इनको नरक तो जाना नहीं है, ध्यान में ही बात। ये राक्षस जो लड़ रहे हैं इनको नरक तो जाना नहीं, क्यों नहीं जाना नरक। राम जी का दर्शन हो रहा है, राम जी का दर्शन करके प्राण त्याग, नरक तो जाना नहीं इनको। पर इन्होंने बहुत गधा घोड़ा खाए हैं, बहुत ऊटपटांग काम किए हैं, तो कुछ ना कुछ सजा तो इनको मिलनी चाहिए। तो जिनका कर्म परिपाक अब उनको नरक में नहीं भोगना था, द्वारा जन्म भी उनका नहीं होना था, रामाकार भये तिनके मन, और वे सब मुक्त हो गए। पर हनुमान जी ऐसे हैं कर्म परिपाक दाता। हनुमान जी जानते हैं कि इनको नरक तो जाना नहीं, द्वारा पैदा होना नहीं, तो राम जी से विमुख होकर के जो ऊटपटांग काम किए हैं उनका कुछ तो फल इनको मिलना ही चाहिए। तो हनुमान जी क्या करते हैं, राक्षसों को पकड़ लेते हैं, मारते नहीं जल्दी, नहीं नहीं मारते नहीं, पकड़ के बाल पकड़ लिए, कहीं से भी पकड़ लिया, हनुमान जी तो हनुमान जी, पकड़ के धीरे धीरे उसको घिसते हैं, फिर देखते हैं, देखता हूँ बंदर ऐसा करता है, घिसते हैं, फिर देखते हैं, फिर वो कुछ बोलता, एक थप्पड़ लगाते हैं, वो कहता महाराज मार दो ना, ये तमाशा क्यों कर रहे हो। तो कहते हैं हनुमान जी, भजहु न राम ही सो फल लेहु, भजहु न, भजहु न राम ही सो फल लेहु। तुमने राम जी को नहीं भजा, ये फल है उसका। जैसे उबले हुए आलू को छील देते हैं, ऐसे हनुमान जी चमड़ी एक एक करके उधार देते हैं, चिल्लाते हैं वो, चीखते हैं, फिर हनुमान जी कहते हैं राम राम करो, राम राम करो। वो कहते खूब करेंगे राम राम महाराज, जान छोड़ो हमारी। और राम राम करते करते उनकी राम राम हो जाती है, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो कर्म परिपाक दाता श्री हनुमान जी महाराज हैं, और है भी, पर द्रोह रत अति दुष्ट पायु सुफल पापिष्ठ। ये मिलता है फल, और कैसे हैं हनुमान जी, जयति भुवनैक भूषण। क्या अद्भुत विशेषण है हनुमान जी का, जयति भुवनैक भूषण। हे हनुमान जी आपकी जय हो, आप तो भुवनैक भूषण हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को सुशोभित करने वाले आभूषण आप हैं, आपके बिना ब्रह्मांड की कोई शोभा नहीं है,
इस ब्रह्मांड की सर्वोपरि शोभा आप ही हैं। भुवनई का भूषण, भुवन के एकमात्र भूषण हैं। अब ये भुवनई के भूषण, इसका अन्वय देहली दीपकन न्याय से हनुमान जी में तो घटित तो हो ही रहा है, क्योंकि हनुमान जी की स्तुति है। आगे विभीषण बरद शब्द आया है, विभीषण बरद, तो देहली दीपकन न्याय से जयति भुवनैक भूषण यह शब्द विभीषण में भी घटित हो जाएगा। क्यों घटित हो जाएगा? हनुमान जी तो भुवन भूषण हैं ही, विभीषण भी भुवन भूषण है। क्यों? बोले भुवन भूषण कौन है? यहां हनुमान जी विभीषण जी उपलक्षण है। तात्पर्य यह है, भुवन भूषण वह व्यक्ति है जो ईमानदारी से निश्चल निष्कपट भाव से भजन में लगा हुआ है, वो भुवन भूषण है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय श्री हरे भक्ति रेका हरिरपि निजलोकम् सर्वथा तो विहाया प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। मलुकदास जी के शब्दों में, सात टूक को पीन की सदा फिरई निशंक, सात टूक को पीन की, इतना गरीब है साधक के लंगोटी का कपड़ा भी साबुत नहीं है, गांठ बांध बांध कर जैसे तैसे लंगोटी, सात गांठ बंधी है लंगोटी में, फिर भी कोई शंका नहीं, मस्त घूमते हैं। फिरे फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। सात टूक को पीन के फिर ही सदा निशंक, नाम अमल माते रहें गिने इंद्र को रंक। नाम अमल, नाम का जो अमल है उसमें मतवाले रहते हैं, ऐसे बेभक्त उनकी ब्रह्मानंद प्रेमानंद की मस्ती के आगे इंद्र भी रंक है, कंगाल है। और इसी बात को गोस्वामी जी अपने भाव से कह रहे हैं, तीन टूक को पीन के नित भाजी बिन लोन, तुलसी रघुबर उर बसे तो इंद्र बापुरो कौन। इसलिए भैया धन्यवाद देने के योग्य वही है, भुवन भूषण वही है जो भगवान के भजन में लगा हुआ है। राम जी क्या करें विभीषण से, खल मंडली बसहु दिन राती सखा धर्म निव है के ही भांति। लोग इतने अच्छे वातावरण में रह के भजन नहीं कर पा रहे हैं। अयोध्या वृंदावन चित्रकूट में रहकर भजन नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे सत्पुरुषों की सन्निधि में रहकर भी भजन नहीं कर पा रहे हैं। और धन्य है विभीषण को जो लंका में रहकर भजन कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, लंका जैसा माहौल तो रावण के काल में लंका का जो माहौल था ऐसा माहौल तो आज नहीं है, फिर भी भजन बन रहा है।
भजन नहीं बन रहा है। भजन न बनने में भजन की प्रवृत्ति का अभाव ही कारण है, परिस्थितियां कारण नहीं है, समय कारण नहीं है, भजन की वृत्ति हमारी नहीं है। भजन की वृत्ति होगी तो सोते जगते खाते पीते हर समय भगवत अनुसंधान स्वाभाविक बना रहेगा। प्रवृत्ति तो हो भजन की, भजन की प्रवृत्ति नहीं है। महाराज जी के मुखारविंद से सुनी हुई बात सुना देते हैं। महाराज जी ने कहा एक बार, भक्तमाली जी महाराज ने बोले, लोगों ने रावण से शिकायत की लंका में। बोले महाराज आप तो भगवान की कोई बात करे, उनके नाम को कोई लेवे लंका में तो उसकी खैर नहीं, भगवान का नाम लेना लंका में मना है। और आपका खास भाई विभीषण, वो जब देखो जब माला झोली लेके राम 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 जपता, घर पे भी राम राम लिखवा रखा उसने, उससे आप कुछ नहीं बोलते। तो हम छोटे मुँह बड़ी बात करें, महाराज नाराज मत होना, कानून तो सब पर बराबर होना चाहिए। चार ही पश्यन्ति राजानः, कान भर दिए रावण के, रावण क्रोध में तिल मिला उठा। रावण ने बुलाया विभीषण को, विभीषण आज्ञा, भगवान आज्ञा, आज्ञा आज्ञा करता हाथ जोड़ता है। अरे बोले हाँ आज्ञा ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता, आप तो पिता के स्थान पर हैं, आप आज्ञा दीजिए। बोले हमने तुम्हारी शिकायत बहुत सुनी है, रावण नहीं बोलता राम राम, तुम क्या उटपटांग बोलते रहते हो, होठ हिलते रहते तुम्हारे। लोगों ने कहा हमारा राम राम बोलता है, घर पे क्या लिखा रखा है, राम नाम अंकित गृह शोभा वर्ण जाए। तुमको देखकर ये लंका के तमाम राक्षस काफिर हो रहे हैं, समझ गए ना, राम नाम जपना मूर्ति पूजा करने सब काफिर होना है, ये सब काफिर हो रहे हैं, इसलिए हरगिज लंका में ये हम नहीं होने देंगे। रावण ने फतवा जारी कर दिया, विभीषण ने सोचा अब इसकी बात माने ये संभव नहीं है, रहना यही है, और भजन में विक्षेप ना पड़े वो काम करना है, तो क्या किया जाए। तो महाराज जी कहते थे कि भजन करने वालों को ठाकुर जी बुद्धि दे देते हैं, भजन करने वालों को ठाकुर जी बुद्धि दे देते हैं। विभीषण बोले ये जो सब झूठी शिकायत कर रहे हैं, हम राम नाम जपते हैं, हमने अपने घर में राम नाम लिखा रखा है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है उसका अर्थ क्या है, क्या अर्थ है। विभीषण ने कहा मैं तो भैया भाभी का परम भक्त हूँ, रावण के नाम का रा और मंदोदरी के नाम का माँ, तो इतना बड़ा नाम लिखावें बिना विशेषण के लिखावें तो उसमें कठिनाई होगी, इसलिए राम राम जपते हैं, आप दोनों की याद करते हैं और वही लिखा रखा है। इतना खुश हुआ रावण, वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब जगह के लिए कानून है, तुम्हारे यहाँ के लिए कानून नहीं है, खूब भजो हमारा भजन करो, खूब नाम पूरे घर में लिखवा दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसको कहते हैं पंडिताई, बोलो भक्तवत्सल भगवान, इसको पंडिताई कहते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान थे, एक शास्त्रार्थ गोष्ठी हो रही थी, बहुत ध्यान से पिताजी शास्त्रार्थ गोष्ठी हो रही थी, एक बहुत बड़े विद्वान थे,
उनके मुंह से निकल गया रावण, रावण ये शब्द निकल गया उनके मुंह से। अब सब पंडित टूट पड़े उनसे, अशुद्ध बोलते हो, अशुद्धम बदसी, अशुद्ध बोलते हो पंडितों की सभा में, बड़े विद्वान बनते हो, रावण कहां से हो जाएगा। यद्यपि उन्होंने अशुद्ध बोला था पर इसको पंडिताई कहते हैं। बोले रावण इत्येव साधु, रावण यही साधु है। क्यों? वह अशुद्धम नास्ति इत्येव साधु, यही साधु है। क्यों? कहते भाई कुंभकर्ण के नाम में भकार, कुंभकर्ण, और विभीषण के नाम में भकार, तो तयोर ज्येष्ठे च श्रेष्ठे च, मझले भाई के नाम में भा और छोटे भाई के नाम में भा, तो दोनों भाइयों से बड़ा उसके नाम में भा क्यों नहीं? इसलिए रावण ठीक नहीं, रावण ठीक है। जब विभीषण कुंभकर्ण है तो रावण ही ठीक है। लोगों ने कहा कि ये तो तुम अपनी पंडिताई दिखा रहे हो, रावण शब्द का अर्थ क्या करोगे? तब उन विद्वान ने कहा र रकारादीन नामानी अ अभणति असौ रावण। ध्यान में ही बात, रकार जिन नामों में है ऐसे नामों का उच्चारण रावण नहीं करता है, शत्रु के नाम की। तो रकारादीन नामानी न आभणति, न भणति, रावण आभणति, भणति माने नहीं बोलता है, राम नाम नहीं बोलता है। रकारादीन नामानि न भणती थी रावण। और सबने कहा वाह वाह पंडित जी, ये रहस्य तो आपने ही खोला। ऐसी पंडितों की चतुराई होती है। तो विभीषण में भी चतुराई है, विभीषण ने युक्ति मुक्ति से अपना भजन बचा के रखा। आप भजन करना चाहें तो दुनिया के किसी कोने में भजन कर सकते हैं, आप भजन ही न करना चाहो तो चाहे जहां रह जाओ भजन नहीं बनेगा। हिरण्यकश्यप बड़ा प्रतापी हुआ, इतना प्रतापी हुआ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य उसके प्रताप के आगे घबरा गए। उन्होंने कहा ये हमारी भी नहीं सुनेगा, वो अपमान भी कर देगा, इससे अच्छा किनारे कर जाओ। तो शुक्राचार्य जी बोले राजन मैं जाना चाहता हूँ। कहाँ? तपस्या करने। किसकी? अरे मैं हूं ना परमात्मा, वरदान चाहिए मुझसे मांग लो, गुरु जी से बोल रहा है वरदान मांग लो मुझसे। अब शुक्राचार्य जी ने सोचा ये तो भजन के नाम पे भी छुट्टी नहीं दे रहा, अब क्या करें? इतना मूर्खाधिराज है, कहता गुरु जी से वरदान मांग लो हमसे, अब क्या करें? तो शुक्राचार्य जी ने कहा राजन आप तो आप ही हैं, आपकी समता कौन कर सकता है, आप में बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं, पर आप भी इसको स्वीकारते हैं, स्वीकारना चाहिए भी। ये सब जो कुछ आपको प्राप्त हुआ ये आपके कठोर तप का परिणाम है। हाँ गुरुजी बिल्कुल ठीक कहते, मेरे जैसा तप कोई नहीं कर सकता, तो अब आपको तप की फुर्सत नहीं है, तो आपके कल्याण के लिए तपस्या करने जा रहे हैं। क्या कहा? आपके कल्याण के लिए तपस्या करने जा रहे हैं। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप खूब जोर से ठहाका लगा के हंसा, हा 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 हा, हंस करके बोला हाँ हाँ गुरुओं को ऐसा ही चाहिए, चेलों को माला फेरने की फुर्सत है नहीं, तपस्या करने की फुर्सत है नहीं, गुरु जी के बदले, चेलों के बदले गुरु जी ही तपस्या कर लें। वाह वाह तुम्हारे जैसा गुरु होना चाहिए, जाओ करो तपस्या, करो हमारा कल्याण। नारद जी का सब आदर करते थे, पर ये इतना प्रतापी था हिरण्यकश्यप के नारद जी भी घबराते थे इससे, नारद जी इसके सामने जल्दी नहीं पड़ते।
इसलिए तो नारद जी ने इसके घर में ही फूट डाली, इसके सामने नहीं गए, गर्भ में प्रहलाद जी को इस पट्टी पढ़ा दी नारद जी ने, इसके सामने नहीं गए। एक बार नारद जी दिखाई पड़ गए इसको, हे बाबा जी क्या नाम है तुम्हारा? बोले लोग हमको नारद कहते। अच्छा तुम ही नारद हो, ये क्या है हाथ में? वीणा है। क्या करते हो? तो नारद जी घबरा गए कि मैं कहता हूँ नारायण गुणगान करता हूँ तो ये नाराज हो जाएगा, पता नहीं क्या करेगा। बोले भगवान ने आपके ही गुण गाता हूँ। अच्छा मेरे गुण गाते? बोले हाँ, तीनों लोकों में घूम घूम करके। वाह 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 वाह, लोग झूठ बोलते हैं कि तुम और कुछ गाते हो, मेरा ही कीर्ति गाते हो, मेरा नाम गाते हो। बोले हाँ आपको ही गाते हैं, और गाने योग्य और है कौन? अच्छा जाओ जाओ हमारी कीर्ति खूब गाओ। नारद जी नारायण नारायण कह के चले गए। आकाश में सिद्ध लोग खड़े थे, देवता खड़े थे, बोले नारद जी आप झूठ बोलते हो। क्या झूठ बोला हम? तुम झूठ बोलते हो, तुमने हिरण्यकश्यपु से कहा कि हम आपके गुण गाते हैं, आप भगवान के गुण गाते हो को राक्षस के गुण गाते हो? नारद जी बोले नृसिंहावतार की कथा कहेंगे, प्रहलाद जी की कथा कहेंगे, घूम घूम कर प्रहलाद चरित्र सुनाएंगे, नृसिंह भगवान का चरित्र सुनाएंगे, तो उसमें हिरण्यकश्यपु की लीला आएगी कि नहीं आएगी, बोलो। इसलिए झूठ क्या हुआ? और हम कह दें कि नहीं तुम्हारा गुण नहीं गाते, भगवान का गुण गाते, तो पता नहीं जो रहा सा भजन और चौपट हो जाए। तो खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निवह की भांति, मैं जानो तुम्हार सब रीति, अतिनय निपुणन भाव अनीति, बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। और स्वयं विभीषण जी भी कह रहे हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन मह जीव बिचारी। और ऐसे विभीषण को जब राम रावण युद्ध के मध्य, लंका के युद्ध के मध्य, ऐसे विभीषण को जब कुंभकर्ण देखता है तो कुंभकर्ण क्या कहता है? धन्य 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 ते धन्य विभीषण, भयउ तात निसिचर कुलभूषण। धन्य है धन्य है धन्य है विभीषण, तुम तो निश्चर कुल भूषण हो गए। तो इसलिए जयति भुवनैक भूषण विभीषण वरद, जयति भुवनैक भूषण विभीषण वरद। तो भुवनैक भूषण हनुमान जी, और इस प्रकार से राम भक्ति करने वाले भुवन भूषण विभीषण जी, और विभीषण वरद। विभीषण वरद, विभीषण को वरदान देने वाले, विभीषण जी यही तो कह रहे थे रो रो करके, हनुमान जी तात कबहूं मोहि जानी अनाथा, करी हैं कृपा भानुकूल नाथा। हे हनुमान जी, क्या कभी मुझे दीनहीन अनाथ जान करके श्री रघुनाथ जी कभी हमारे ऊपर भी कृपा करते हैं, करेंगे क्या? हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने कहा सुनहु विभीषण, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहीं सदा सेवक पर प्रीति। वे तो सदा सेवक पर प्रीति करते हैं।
यदि हनुमान जी ने वर न दिया होता तो विभीषण को राम जी की प्राप्ति नहीं होती। यहां एक बात शास्त्री जी बहुत ध्यान देकर समझने की है, साधक चाहे जितना उच्च कोटि का हो, यदि किसी महान सद्गुरु का अनुग्रह उसे नहीं मिला है तो अपने साधन के बल पर भगवत प्राप्ति करना त्रिकाल में भी असंभव है। भक्तराज भक्त बालक ध्रुव को 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की अल्प अवधि में जो दर्शन हुआ है, उस दर्शन के मूल में समर्थ सद्गुरु देवर्षि नारजी कारण है। नारजी ने कहा 6 महीने में भगवान मिल जाएंगे, तो मिल गए। कोई महापुरुष कह दे कितने समय में तुमको भगवान मिल जाएंगे, तो भले ही लाख जन्म में आपको भगवान न मिलने वाले हों, यदि उनकी वाणी से निकल गया है और आपका उनकी वाणी में पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है, तो आपका उसके भीतर ही काम बनेगा बनेगा बनेगा, इसमें संदेह नहीं। दास बोध में लिखा है, समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा है, श्री राम, जय जय राम, इस विजय मंत्र का कोई 13 करोड़ जप कर ले तो मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं उसे राम जी का दर्शन होगा। और इन पूज्य महापुरुष ने, प्रेम भिक्षु जी महाराज ने, 13 करोड़ विजय मंत्र का जप किया और प्रत्यक्ष श्री रघुनाथ जी का साक्षात दर्शन प्राप्त किया। और भी लोग हैं वो कहते हैं हम तो 13 करोड़ हैं, हम तो और ज्यादा जप गए, हमको नहीं मिला। उनको कैसे हो गए 13 करोड़ में? एक महापुरुष के वचन में श्रद्धा और उसमें विश्वास, तो श्रद्धा विश्वास का ये कारण है। नहीं, भगवान की कोई कीमत है कि आप 13 करोड़ में उनको खरीद लो और 13 अरब में खरीद लो? भगवान की कोई कीमत है क्या? मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेम के मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। तो चाहे जितना श्रेष्ठ साधक हो, सद्गुरु का अनुग्रह जरूरी है और उस अनुग्रह के बाद फिर प्राप्ति में संदेह नहीं है। अब प्रश्न उठा कि सद्गुरु कौन है? जो साधक के चित्त की निराशा को दूर करके भगवत चरणारविंद की प्राप्ति के उत्साह से उसके अंतकरण को भर दे, उसका नाम सद्गुरु है। हनुमान जी दोनों काम करते हैं। कई बार साधकों के मन में घोर निराशा जग जाती है और कई बार यह निराशा इतनी भयंकर हो जाती है कि खूब भजने वाले लोग भी कई बार नास्तिक जैसे हो जाते हैं। उनको लगता है, अरे इतने दिन किया ये सब क्या हुआ, कुछ तो हुआ नहीं। वो नास्तिकता कोई भयंकर पाप का ही परिणाम है, कोई भयंकर पाप आड़े आ गया इसलिए बुद्धि बिगड़ी, पर बड़ी भारी हानि हो जाती है। ऐसी हानियों से यदि कोई बचाता है तो उस बचाने वाले महापुरुष को ही गुरु कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं। एक महानुभाव बहुत अच्छी तरह से साधन में लगे थे और उनकी एक प्रतिज्ञा थी, वो नहीं चल पाई, टूट गई। उससे उनको भगवान के प्रति बड़ी अश्रद्धा हो गई और वे महानुभाव तिलक लगाना छोड़ दिया, तुलसी भी उतार दी और बिल्कुल एकदम नियम कर्म धर्म को तिलांजलि दे दी। बोले अब तो सब छोड़ो, ये सब कुछ नहीं कि इतने बजे सो, इतने बजे उठो, ये करो त्यो करो, कुछ नहीं, बेकार सब।
ढोंग ढकोसला पेट भरने की बात है, ईश्वर ईश्वर कहीं कुछ नहीं। ईश्वर होता तो हमारे साथ ऐसा होता? लोगों में चर्चा चल गई, महाराज जी के पास आई बात, ऐसा हो गया है। महाराज जी हंसने लगे, बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो महाराज जी गिरिराज जी से आए, दास भी था। महाराज जी ने पैर धोए और बिना बुलाए उन व्यक्ति के पास पहुंच गए। आखिर तो उन्होंने आदर किया, प्रणाम किया, आसन पर बिठाया। तो महाराज जी थोड़ी देर तो विराजे, फिर हंस करके पूछते हैं, तिलक कहाँ गया, तुलसी कहाँ गई, ये सब क्या है, कैसे बैठे हो? बस वो तो भरे हुए थे, बोलना शुरू किया। अब महाराज जी इतने धैर्यपूर्वक सुनते रहे, एक शब्द का उत्तर नहीं। जैसे कोई बढ़िया भगवान की कथा ऐसे झूमते भी जाएं, सुनते भी जाएं, आश्चर्य की बात है। हम उधर बाहर बैठे थे। उन महानुभाव का वक्तव्य पूर्ण हुआ, फिर महाराज जी ने हंस करके कहा, आपके ही मत को हम मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, पर ईश्वर हुआ तो आपकी बात हम मानते, ईश्वर नहीं है पर ईश्वर हुआ तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करके ही धर्म और सदाचार का पालन किया जा रहा है। ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है पर ईश्वर के अस्तित्व को मानकर सत्य सदाचार धर्म का आचरण किया जा रहा है, उसका लाभ मिल रहा है व्यक्ति को। ईश्वर नहीं है और ईश्वर है और आपने उसको नकार दिया और धर्म कर्म सदाचार से आप दूर हो गए, और ईश्वर तो है और आपने उसको नकार दिया, तो उसका परिणाम इस जन्म में और न जाने कितने जन्म तक भोगना पड़ेगा, उससे बच सकते हो क्या? इतने ढंग से मारे। इसलिए ईश्वर के न होने होने पर भी ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति लाभ में है। ईश्वर तो है ही, पर न होने पर भी यदि कोई ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारता है, परलोक पुनर्जन्म को स्वीकारता है, तो उसका जीवन व्यवस्थित होगा, दैवी संपत्ति से युक्त तो होगा, स्वयं के लिए भी उपयोगी होगा, सारे राष्ट्र और समाज के लिए उपयोगी होगा। धर्म और ईश्वर को नकारने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए भी घातक होता है, पूरे राष्ट्र और समाज के लिए घातक होता है। बोले हम इतनी निष्ठा लेके यहां पड़े थे, यहां नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, हमको सब छोड़ना पड़ा। महाराज जी ने कहा, भगवान ने कहा था तुम छोड़ो, परीक्षा का अवसर आया, आप टाए टाए फिस हो गए, दोष भगवान को दे रहे हो। अरे तुम्हारे नास्तिक हो जाने से भगवान दुबले पतले नहीं होंगे, तुम्हारा भजन करने से भगवान मोटे तगड़े नहीं होंगे, जो त्यों काल एक रस रही, अपना लाभ सोचो समझो तो भजन में लग जाओ, और नहीं तो जय श्री सीताराम कहकर महाराज जी तुरंत उठ के चल पड़े। और इतने से वक्तव्य ने, 5-7 मिनट के वक्तव्य ने सारा अध्याय ही पलट दिया। जाने लगे तो वे महानुभाव रोते हुए महाराज जी के चरणों में पड़ गए और फिर लग गए भजन में, लग गए। तो जीवन में जब घोर विषाद और निराशा के क्षण होते हैं, उस विषाद और निराशा के क्षण में यदि कोई अवलंब है, कोई सहारा है, कोई उत्साह से भर देने वाला तत्व है, उस तत्व का नाम है सद्गुरु। इसलिए गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। बस मेरी बारंबार प्रार्थना इतनी ही है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, प्रणाम करते हुए प्रार्थना है कि भाई आप चाहे जैसे हो, गुरुजनों से कपट मत रखो, उनके साथ छलयुक्त व्यवहार मत करो, अपना हृदय निरंतर खोल कर उनके सामने रखो।
आपके कल्याण में संदेह नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। कपट पूर्वक किसी भी महापुरुष का सेवन आप करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल और केवल अपराध आपके ऊपर आएगा, कुछ नहीं आपको मिलेगा। किसी भी साधु का संग करो, निष्कपट भाव से करो। हमारे जो श्रद्धेय महापुरुष हैं, उनके प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं है, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, करोड़ों वैरियों के समान उसका त्याग कर दो। हमको मुंह नहीं देखना तुम्हारा, हमारा तुम्हारा क्या लेना देना। यदि तुम्हारी गुरु गोविंद में श्रद्धा नहीं है तो हमारा तुम्हारा क्या लेना देना। अग्नि जरावो लेके जल में बुड़ावो, भावे सूली पे चढ़ावो, गोरे गरल पिवाईवी, बिच्छू कटवावो सांप कटवावो, बीच कोटी गरे लपटावो, हाथी आगे डरवावो, इति भीति उपजावी, सिंह पे खवावो तीखी अनि विध वावो, इति भीति उपजावो, मोही दुख नहीं पाएवी। ब्रज जन प्राण कान बात यह कान करो, भक्त सो विमुख तेर, भक्त सो विमुख ताको मुख ना दिखाए। हाँ गुरु सो विमुख, गोविंद सो विमुख ताको मुख ना दिखाए। फिर बात एक याद आ गई, निर्जला एकादशी पर पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी ने कहा, उन्होंने कहा साधक के जीवन में हरि गुरु और संत इन तीन की निंदा सुनने को मिल जाए कथनचित, वैसे तो सुनने ही नहीं चाहिए, संकेत हो कि निंदा होने वाली तो वहां से चल पड़े, अकथनचित कोई निंदा का वचन कान में पड़ गया तो महाराज जी कहते जब तक प्रायश्चित नहीं करेगा तब तक उसकी साधन में प्रगति नहीं होगी। इसलिए जिसके प्रति भी श्रद्धा है उसकी निंदा सुनने को मिले तो प्रायश्चित करना चाहिए। हम आप में श्रद्धा रखते हैं और आपकी निंदा, और कहते कि वो निंदा वचन लंबे समय तक विक्षेप करता है, क्योंकि चित्त की मलिनता एक जन्म की नहीं है, वो ऐसा घर कर जाएगा वो निंदा वचन कि वो श्रद्धा और विश्वास जमने ही नहीं देगा और बारंबार आपका पतन होता चला जाएगा। मैं नाम नहीं लूंगा, एक महानुभाव संत ही थे, उनको हम प्रणाम करते हैं, हमसे बड़ा प्रेम करते थे, आदर करते थे, और प्रायः कभी एकादशी परिक्रमा करते हुए हम वहां पहुंचते तो हमको कुछ बालक थे तो कुछ खिला पिला भी देते थे, दूध दे दिया एकादशी, कुछ फल वगैरह दे दिया, मिठाई दे दिया, और बड़ा आदर करते थे, बालक भगवान, बालक भगवान, अपने तखत पर कंबल बिछा कर बिठा देते, हम भी बैठ जाते सरल भाव से, यद्य बैठना नहीं चाहिए था। एक दिन एक वाक्य ऐसा उनकी वाणी से निकल गया जिससे लगता था कि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के प्रति इनकी श्रद्धा नहीं। मैंने कुछ भी वहां ग्रहण नहीं किया और रोता हुआ वहां से चला, और मैंने कहा भगवान आज एकादशी को कैसे पाप का उदय हुआ, महाराज जी के प्रति जिसकी श्रद्धा में न्यूनता उसका मुंह देखने को मिला, अब हमें जीवन में इनका मुंह देखने को ना मिले, बस ऐसी कृपा करना।
इसके बाद वो पधार ही गए, उसके बाद हम उनके पास गए ही नहीं। आप लोग कहेंगे महाराज जी के लिए क्या कह दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा था, बात हम कहना नहीं चाहते। उन्होंने इतना ही कहा था कि साधु वाधुओं की सेवा तो करते नहीं, खाली विद्यार्थियों को खिलाते पिलाते रहते हैं, ये मैं सहन नहीं कर पाया। हरिशरणम, इसलिए हाँ हनुमान जी ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हनुमान जी विभीषण के नैराश्य को दूर कर रहे हैं। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहिं सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधीना। मेरे जैसे पर कृपा हो गई तो तुम तो कृपा के परम भाजन हो, तुम्हारे ऊपर कृपा क्यों नहीं होगी? तुम्हारे ऊपर कृपा अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए महाराज जी, विभीषण जी ने ये बात राम जी के दरबार में स्वीकार की है। श्रवण सुजस सुनी आई हो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राही त्राही आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। अब ये श्रवण सुजस सुनी आई हो कहां से सुनाए? लंका में कथा होती है, राम कथा होती है कि भागवत कथा होती है कि भक्तमाल कथा होती, कौन सी कथा होती लंका में? पल श्रवण सुजस सुनी आई हो, प्रभु भंजन भव भीर। किससे सुना? हनुमान जी के मुखारविंद से, आपके सुयस को सुनकर के, हे भव भंजन श्री रघुनाथ, हम आपकी शरण में आए। त्राही त्राही आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। जयत भुवनैक भूषण विभीषण वरद, विहित कृत राम संग्राम, विहित कृत राम संग्राम साका। हे श्री हनुमान जी महाराज, राम जी जैसे सूर्य नारायण वो संवत्सर का विभाग करते हैं, वर्ष आदि की गणना सूर्य के कारण ही तो होती है, संवत्सर का विभाग सूर्य के ही कारण होता है, ऐसे ही राम जी ने असुरों के विनाश का जो संकल्प किया था ना, निश्चरहीन करहूं मही भुज उठाए प्रणकीन, उसकी शाखा, उस संवत्सर को चलाने वाले तो आप ही हैं, आप सूर्य हैं ना। राम जी ने तो कानून बना दिया, लेकिन उसको ठीक से, उसको व्यवस्थित रूप देने वाले आप हैं, क्योंकि जैसे संवत्सर के द्वारा सूर्य वर्ष आदि की व्यवस्था करते हैं, ऐसी राम जी के संग्राम की व्यवस्था आपके, माने राम जी के द्वारा जो निश्चरों का विनाश है उसकी व्यवस्था आपके माध्यम से साकार होती है। पुष्पकारूढ़ सौमित्र सीता सहित, भानुकुल भानु कीरति पताका। हे प्रभो, पुष्पकारूढ़ जो श्री राम जी हैं, जानकी जी के सहित लक्ष्मण जी के सहित राम जी हैं, उन भानुकुल भूषण से जो श्री रघुनाथ जी हैं, उन रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी ध्वजा तो आप ही हैं। अब देखो, यहां बहुत ध्यान देने की बात है, रामचरितमानस में बंदौं लक्ष्मण पद जल जाता,
शीतल सुखद भगत सुखदाता, सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। अब ध्यान दें शास्त्री जी, दंड तो लक्ष्मण जी हो गए, पर ध्वजा कौन है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यहां कहते विमल कीरत भानुकुल कीरति पताका। हे हनुमान जी, डंडा तो लक्ष्मण जी हैं, पर ध्वजा जिसमें फहरती है वो ध्वजा कौन है? बोले वो हैं आप, राम जी की कीर्ति का विस्तार करने वाले हैं। दूसरी बात एक और कह दें, मन में आ गया भाव तो कह देते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है, बड़ा सुंदर शिखर है, बहुत सुंदर ध्वज दंड है, सोने का डंडा है, और बहुत जड़ाऊ हीरे जवाहरात से जड़ी हुई विशाल ध्वजा है। वो ध्वजा ऐसी झूल ऐसी लटक रही है, फेर नहीं रही है, तो शोभायमान होगी कैसे? फेरेगी? द्वारिकाधीश में, द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश भगवान की ध्वजा 52 गज की ध्वजा होती है। 52 गज कितनी बड़ी ध्वजा होती है? श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान की 52 गज की ध्वजा। आज जगन्नाथ भगवान का ज्येष्ठाभिषेक था, आज यहां भी ज्येष्ठाभिषेक हुआ। 108 कलशों से रघुनाथ जी ने स्नान किया, वहां भी खाक चौक में भी, यमुना मंदिर में भी यमुना जी का जल आया था, उनका पूजन हुआ। कलशों में कल रात्रि को भर के जल रखा गया था पहाड़ी बाबा के कुआं का, और आज बड़ा दिव्य उत्सव हुआ। ठाकुर जी ने खूब घड़ों से नहाया है और स्नान करके इसके बाद फिर ठाकुर जी अब फूल के महल में विराज रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी ने रोक लिया, क्यों फूल बंगला होना था, सब होना था, तो ठाकुर जी ने रोक लिया कृपा करके। तो भगवत कृपा से ये दिव्य दर्शन। और एक बड़ी विलक्षण बात, आज जगन्नाथपुरी वाले स्वामी जी भी कृपा करके कैसे प्रकट हो गए पता नहीं, स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज। हमको तो लगा जगन्नाथ जी खुद आ गए, इतनी प्रसन्नता हुई, और पता नहीं क्या हुआ। यहाँ दीन बंधु दास जी और सब साधुओं के मन में पता नहीं क्या मनोरथ हुआ, बोले ठाकुर जी ने नहाया व आप भी नहाइए। तो ये जो हॉल जहाँ बैठ के आप सत्संग कर रहे हैं ना, ये स्नान कुंज बन गई महाराज। इतना हल्ला गुल्ला मचा और पूरी मोटर चला करके खूब ज्येष्ठाभिषेक हुआ। ज़्यादा हल्ला गुल्ला हुआ तो मैंने कि भैया अब हल्ला गुल्ला मत करो, तब जाए कि लोग ठंडे पड़े, यही तो आनंद है। तो कीरति पताका, ये पताका कैसे फैरती है? हवा के वेग से फैरती है। जगन्नाथपुरी में द्वारिकापुरी में पताका फहराती क्यों? समुद्र के कारण हवा चलती रहती, इसलिए पताका कभी झुक झूलती नहीं है। इसका मतलब है आप समीर सुत हैं, मारुत सुत तब मारुत करई। तो आप ऐसी बयार श्री राम भक्ति की बहाते रहते हैं कि कीर्ति रूपी जो पताका है वो झूलने नहीं पाती, वो सदा फहराती रहती है। इसलिए राम जी की कीर्ति रूपी पताका को फहराने वाले हैं। और गोस्वामी जी ने इस बात को अपने जीवन की सबसे पहली रचना में भी कहा है। क्या कहा? हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपने देखा हुआ हनुमान जी के हाथ में झंडा है, फहरा रहा है झंडा। ऐसे आप हैं महाराज जी, जयति पर यंत्र मंत्रा विचार ग्रसन, कारमन कूट कृत्यादि हंता। हनुमान जी की उपासना करने वाले व्यक्ति पर किसी का यंत्र मंत्र अभिचार कूट प्रयोग कारमन प्रयोग कृत्या काल कृत्या का प्रयोग, कोई भी तंत्र मंत्र का प्रयोग उस व्यक्ति पर चलता ही नहीं जो हनुमान जी का भक्त है।
हंता, उस सबको आप नष्ट कर देने वाले हैं। शाकनी डाकनी पूतना प्रेत बेताल भूत प्रमथ, इनके जो यूथ हैं समूह हैं, इनके यंता, यंता माने इनको नियंत्रित आप करते हैं, आपके सामने इनकी दाल नहीं गलती है। आप वहां गए मेहदीपुर बालाजी, बगल में ही है, सिद्ध संत वहां से निकले, हनुमान जी उनके साथ रहते थे, और प्रेत से युद्ध हुआ उनका, तो प्रेत उठा उठा पटकने लगा, हनुमान जी को स्मरण किया, हनुमान जी चढ़ गए प्रेत पर, चढ़ गए प्रेत पर तो हाहाकार करने लगे, बोले छोड़ो छोड़ो, बोले ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बोले तू प्रेत राज है तो अब सेवा कर। क्या सेवा करें, बोले हम यहां रहेंगे, इस बाधा से युक्त जो लोग हैं उनको ठीक कर, इलाज कर उनका। आज हुआ हनुमान जी के दरबार में प्रेत राज विराजते हैं, इलाज करते हैं। यंता सब पर आपका क्या कहते हैं, हाँ सब पर शासन चलता, हुकूमत आपकी सब पर चलती है। और हम लोग वहां गए थे कष्टभंजन देव गुजरात में, कष्टभंजन देव सारंगपुर हनुमान जी, वहां भी महाराज भूत प्रेत का इलाज होता, हनुमान जी ही वहां सीधे चिकित्सा करते हैं, विलक्षण है वहां का भी ऐश्वर्य। तो कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र कालकृत्या कुछ नहीं चल सकती, शाकनी डाकनी पूतना प्रेत वेताल भूत प्रमथ सब समाप्त हो जाते हैं। आगे कहते जयति जयति वेदांत विद विविध विद्या विशद वेद वेदांग विद ब्रह्मवादी, क्या करें इनका व्याख्यान तो बहुत करना चाहिए, लेकिन अब हम आज इस पद को पूर्ण ही करना चाहते हैं। हे हनुमान जी आपकी जय हो, आप वेदांत विद हैं, वेद का जो सिरोभाग है ब्रह्म विद्या प्रस्थानत्रयी, देखो हनुमान जी से बड़ा प्रस्थानत्रयी का विद्वान कोई दूसरा नहीं, प्रस्थानत्रयी को ही वेदांत कहते हैं, गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र इसको वेदांत कहते हैं। हनुमान जी ने गीता सुनी, कब सुनी गीता, अर्जुन को उपदेश दिया तो हनुमान जी तो वहीं थे ध्वजा पर बैठ करके सुनी। गीता पर हनुमान जी ने भाष्य भी लिखा, हनुमान जी ने गीता पर भाष्य लिखा, पैशाची भाष्य, आंजनेय पैशाची भाष्य। भगवान से बोले हमने भी गीता सुनी है, आप जगत गुरु है, हमने आपसे गीता सुनी है, गुरु दक्षिणा क्या अर्पित करें। भगवान बोले तुमने सुना है लेकिन अमर्यादा से सुना है, जब गीता को उपदेश हुआ तो ध्वजा पे नहीं बैठना चाहिए, नीचे आके बैठ के सुनते, ऊपर चढ़ के सुना तुमने, तो बड़े लोग भी कोई अपराध करें तो दंड तो उसको मिलेगा, तो तुमको कुछ समय के लिए कुछ क्षण के लिए पिशाच भाव प्राप्त हो जाएगा, वो कैसे छूटेगा, बोले तुम गीता पर कुछ लिखो तो छूट जाओगे, ऐसा भी सुनने में महापुरुषों से आया। तो आपसे बड़ा ब्रह्मसूत्र उपनिषद और गीता का ज्ञाता कोई दूसरा नहीं है, वेदांत विद विविध विद्या विशारद, आप विविध विद्या विशद उन वेद वेदांग सबके आप ज्ञाता हैं और ब्रह्मवादी हैं। वाल्मीकि रामायण के श्लोक स्मरणीय हैं, नारग वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणा न साम वेद विदुषा सक्यमेवं विभाषितुं नूनं व्याकरणं कृत्स्नं अनेन बहुधा श्रुतं बहुव्याहृतानेन न किंचिदपशब्दितम्। नामुखे नामुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा अन्येषु सर्वेषु दोषा संविदे संविदित क्वचित् अविस्तरम संदिग्धम मविलंबितम अव्ययम् उरस्थम कंडगम वाक्यम वर्तते मध्यमस्वरम संसारक्रम संपन्नाम मद्रताम अविलंबिताम उच्चार्यति कल्याणीम वाचम हृदय हर्षिणीम। ये सब हनुमान जी के वक्तव्य के विशेषणों का वर्णन श्री वाल्मीकि रामायण में किया गया है। ऐसे हनुमान जी ब्रह्मवादी हैं। अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्वम मुनीन्द्र ही परम, मुनीन्द्र आते हैं तत्व ज्ञान के लिए, भगवान हनुमान जी, भगवान कहते हैं हनुमान जी से जाओ सुनाओ इनको तत्व ज्ञान का उपदेश करो, हनुमान जी ऐसे वक्ता भी है महाराज। और ज्ञान विज्ञान वैराग्य भाजन विभो, हनुमान जी ज्ञान विज्ञान और वैराग्य के भाजन माने पात्र हैं, इनमें ही ज्ञान विज्ञान वैराग्य रहता। विमल गुण गणत शुक नारद आदि,
आपके निर्मल गुणों को सुखदेव जी, नारद आदि ऋषि गाते रहते हैं। जयति कल्याण गुण कर्म माया मथन, निश्चल ज्ञान व्रत सत्य रत धर्मचारी, सिद्ध सुर वृंद योगींद्र सेवित सदा, दास तुलसी प्रणत भय तमारी। हे प्रभु आपकी जय हो, काल गुण कर्म माया इन सबको मत देने वाले हैं आप। आपके आश्रित के जीवन में काल गुण कर्म माया आदि का दुष्प्रभाव व्याप्त होता नहीं है, क्योंकि आपकी कृपा से वो समाप्त हो जाता, मत देते हैं आप उसको। आपका ज्ञान निश्चल है, कभी आपका ज्ञान डिगता नहीं है, और आप सत्य व्रती हैं, धर्म का आचरण करने वाले हैं। हे भगवान, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े देवताओं के समूह योगींद्र ये सदा, हे हनुमान जी महाराज, आपकी निरंतर सेवा करते हैं। ऐसे हे हनुमान जी महाराज, ये तुलसीदास आपकी शरण में है, प्रणत भय तमारी, इस शरणागत के भय को दूर करने में, भयरूप अंधकार को दूर करने में आप तमारी, तमारी माने सूर्य के समान है, आपका प्रताप का, प्रताप रूपी सूर्य का उदय हो जाए तो इस सब का विनाश हो जाता है। अब आगे की चर्चा, 27वें पद की चर्चा हम पुनः यथा समय करेंगे। जय जय श्री राधे, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम। सीता राम, जय सीता राम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय।